शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हैदराबाद का ये अमीर पेट यूथ का अड्डा कहा जाता है। यहाँ रोज नए नए लड़के लड़कियाँ आते रहते हैं और इसी शहर में स्थित है ये मधुरा हॉस्टल। पहुँच गया, चल भाड़ा जेब से निकाल ले। पढ़ाकू बच्चे, दाया पैर रखना चाहिए शुभ। वेलकम टू नाना हॉस्टल। ये क्या था बे? पनौती हट गई। सर पे गिरता तो मैं मर जाता ना। गिरा तो नहीं ना। हाँ? और वो क्या लिखा है? नाना हॉस्टल, माँ की तरह प्यार हाँ? और बाप की तरह केयरिंग। माँ की तरह प्यार मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या? ए, क्या एक ही इडली लिया तूने? नहीं अन्ना। अरे छोड़, ऐसे बदन में ताकत कहाँ से आएगी? और ले, भले ही मैं तुम लोगों का बाप नहीं हूँ लेकिन ख्याल तो बच्चों के जैसा रखता हूँ ना। कौन कितना खाना खाता है मैं जानता नहीं क्या? क्या नाना, इसमें आपको क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट नहीं है, स्वार्थ है। तुम लोगों का पेट भरता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर तुम लोग पढ़ लेकर बड़े आदमी बन गए तो मुझे लगेगा कि जिंदगी में मैंने कुछ पा लिया। मैं आनंद पाना चाहता हूँ, यही मेरा स्वार्थ है। तो एक मिनट, और बाप की तरह केयरिंग वो भी देखना है। हाँ? ए, नाना ने देख लिया तो? अरे यार वो कहीं पड़ा होगा, वो क्या देखेगा। अगर किसी को हॉस्टल में सिगरेट पीते हुए देख लिया ना सारी चर्बी निकाल दूंगा। अरे बाप रे, बकवास है, बकवास। मजा नहीं आया ना। मॉर्निंग मॉर्निंग। बॉयज हॉस्टल में आंटी भी है क्या? आंटी बोले तो मैं हूँ। तू कैसे आंटी हो गया? माँ की तरह प्यार, बाप की जैसा केयरिंग। लगता है नाना इसी से काम चलाता है। सुन लिया मैंने। चल आगे बढ़। ये सर पे क्या लगा के रखा हुआ है? ये इसका टावर है। इसने एक लड़की को पटाया है, सिग्नल ढूंढते रहता है। दूर चला गया तो लड़की छोड़ के चली जाएगी। कौन है ये? ये नया रहने के लिए आया है, बगल के गांव से। न्यू एडमिशन। क्या नाम है? अवतार। पूरा नाम बोलना। अवतारम। स्टाइल मारने के लिए थोड़ा सा कट कर दिया। अगर तू इसी तरह से स्टाइल मारेगा ना तो पूरी जिंदगी जीरो ही रहेगा, समझा? अब साफ साफ बता अपना नाम। आनंद रामे जी। हाँ ठीक है, इस हॉस्टल के कुछ रूल्स हैं। यूथ तो रूल ब्रेक करते ही है। चमड़ी उधेड़ दूंगा। रात को 9 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। कूद के आऊंगा तो पैर तोड़ दूंगा। अपने पिताजी का सेल फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर सब लिख दे। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो मैं रात में भी चाय पिलाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आधी रात को पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दूंगा। चलो यहाँ पर साइन करो। इसको सिद्धू को रूम में लेके जा। ओके। ए श्याम, ये अवतार है, आज ही आया है। यहाँ 4 कमरे हैं, लास्ट कमरे में तू रहेगा। डोंट टच, सफाई बहुत जरूरी है। तू निकल, तू आ, आना। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा था ये? हेयर कट करने की जगह है ये? अरे नाई की दुकान है क्या? हॉस्टल है पता? अरे इस बार अब भी नाना को फोन करता हूँ। ये भिखारी है। ए, आंटी भिखारी क्यों बोल रहे? तो फिर तो यहाँ बाल क्यों काट रहा था? क्या बोला? साफ करी से करता हूँ ना। तू आ रहा हूँ। हाय मैं सर, चल भाग, दोबारा नजर मत आना। यहाँ सबके सब नमूने लग रहे हैं। ये सिद्धू भाई का रूम है तो उसी के साथ रहेगा। बैचलर्स के रूम में सुंदर लड़कियों की फोटो होने चाहिए। और ये तो स्पोर्ट्स का रूम लग रहा है। क्या? नाना का हॉस्टल है, क्लब नहीं है। लेकिन जिसका रूम है वो किधर है? शाम को आएगा, जितना चाहे मिल लेना। वैसे अभी कहाँ है? रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। ए, इनमें से किसने मारा रे तुझे? ए भाई, उसने मारा मुझे, उसने। अरे मैंने ही मारा। काय के लिए मारा रे? ए, अगर मान ले तू अच्छे मूड में है और क्रिकेट खेल रहा है और बीच में मैं आकर अगर तेरे स्टंप उखाड़ दूं तो तुझे कैसा लगेगा? तू क्या करेगा बोलना? जान से मार दूंगा। मारेगा ना? हाँ एग्जैक्टली यही काम मैंने भी किया, लेकिन मैंने इसे जान से नहीं मारा, अपनी स्टाइल में बस एक फटका दे दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमारे एरिया में आकर हमको धमकी दे रहा है, जानता नहीं भाई को अच्छा नहीं होगा। अगर मारना है तो मैं एरिया नहीं देखता, सिर्फ वजह देखता हूँ। तुझको डर नहीं लगता क्या? नहीं जानता क्या भाई को? क्यों, तेरा भाई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या? अगर दिमाग खराब हो गया ना तो सुनूंगा नहीं, सीधे मारूंगा। अभी तो बहुत बोल रहा है बेटा, रात को बताता हूँ। क्या बताएगा बे तेरी? चलो अभी यहाँ से। क्या बताएगा, मैं खुद तुझे बताऊंगा। रात तो होने दे।
चिंता मत कर, उसको मजा चखाएंगे। ये देख पीछे सब मार खाने आ गए। कौन है भाई? तू यहीं पर बहन को संभालता हूँ, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको तो मैं अकेले देख लूंगा। ए, अवतार आ गया यहाँ पर, जान बचानी है तो भाग जाओ, बाद में मुझे मत बोलना। भाई भाई, इसी ने क्रिकेट में हमको मारा। ये तो यशराज की पिक्चर के हीरो की तरह बहुत नाजुक लगता है। इसने तेरे को मारा, क्या बात करता है? क्या रे, तूने मेरे बच्चों को मारा? देख रहा ना मेरी बॉडी, जान से मार दूंगा, सुना कि नहीं? क्या रे, घूर रहा मेरे को? अरे मक्के में काम हो गया। अरे ये क्या है भाई, अभी तू राजमुले की पिक्चर के हीरो की तरह लड़ाई कर रहा है। पुलिस चली गई। सही है, अवतार का मुकाबला ये सब क्या करेंगे? सही बोल रहा है। अब तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे? जब सब लोग भागे तो तू वहाँ क्यों रुका था? अब तुझे थोड़ी ना बोलेंगे कि आके बैठ जा, आके बैठ जा। अब देखा ना कैसी ठोकाई की उन लोगों ने तेरी। किया मार मुझे पड़ी, वो ग्रुप में थे, अगर अकेले आते तो मैं किक को छोड़ता नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। 90% डिस्काउंट है, कहाँ पे? आज नहीं पर कल मैं आ जाऊंगा। तेरी यार जान जा रही, तुझे 90% डिस्काउंट चाहिए भाई। चुपचाप से कहीं कर। कौन था वो? कौन था? किसने मेरे दोस्त अवतार को मारा? भाई अकेला पाकर कुत्तों की तरह मुझे मारा। कौन है ये? ये मेरा दोस्त है, हैदराबाद का मेरा लंगोटिया यार है ये। भाई छोड़ना मत उनको। कराटे में ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, येलो बेल्ट, टोटल ब्लैक बेल्ट है मेरे पास, समझा? इतना बॉडी एक्सपोज मत कर वरना गेलों का रूम लगेगा ये। तू देख बस यार, मैंने बाइसेप्स ऐसे ही नहीं बनाया है, एक पार्ट बाहर निकल के झांक रहा है। बहुत बढ़िया, एक पार्ट का मैंने एक्सरसाइज किया है, जो भी मेरे सामने आएगा ना पीस के रख दूंगा। इस बॉडी के हर पार्ट्स की मैं एक्सरसाइज करता हूँ। क्यों, इसकी एक्सरसाइज नहीं करता है क्या? भाई यार शाम को मिलते हैं, तेरे रूम वाले बहुत खतरनाक है। अबे रुक जा, तेरी तो यार वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं गांव चला जाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन, सिद्धू सिर्फ झगड़ा ही नहीं करता है, आज वो एंटरटेनमेंट भी बढ़िया कराएगा। एंटरटेनमेंट है क्या? हाँ। अबे तुम लोग कहाँ पे हो गए? दिल में है प्यार जागा, क्यों दिल तेरे पीछे भागा? तू दीवानी मेरे दिल की रानी है, दिल से तो दिल मिला दे, फोन नंबर तो बदला दे, बिन तेरे अब तो हमको जीना है। मिर्ची मिर्ची है तीखी मिर्ची, तुझे खाना खाए रूनी चलाए। मिर्ची मिर्ची है तीखी मिर्ची, Let's go! Yeah.
पीछे भागा तू दीवानी मेरे दिल की रानी है दिल से तो दिल मिला दे फोन नंबर तो बतला दे दिन तेरे अब तो हमको जीना है मिर्ची मिर्ची है तीखी मिर्ची तुझे खाना चाहे मुझे क्या चाहे मिर्ची मिर्ची है तीखी मिर्ची मैं शोले तुम्हें मस्ती सिर्फ फेसबुक पर टाइम पास करते रहते हैं हाँ। कुछ लोग फोन पर टाइम बर्बाद करते हैं हाँ। और गर्ल्स के साथ लाइव परफॉर्म करता है भाई कमाल है यार कुछ भी हो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का मजा कुछ अलग होता है भाई सही है जो कुछ भी बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं तुझको मजाक लग रहा है क्या हाँ। अच्छा चल रोक दे तेरा इंस्टीट्यूट आ गया चल रोक दे यार मुझे लेट हो रहा है यार रुक जा तू भी ना हमेशा खाई करेगा अच्छा सुन ऑल द बेस्ट हां पहली बार लवर से मिलने जा रहा है ना पहले दिन कोई कांड मत कर ले थैंक्स सिद्धू सिद्धू तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे वो एक काम था ना इसलिए मैं वैसा किया था कम से कम बताना तो चाहिए था ना फोन भी नहीं उठाते तुम मेरा लगता है मैं सिद्धू सिद्धू करके कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ती हूँ इसीलिए तुम मुझे भाव नहीं देते तुम हर बात पर नाराज होगी तो कैसे चलेगा चलो कॉफी पीते हैं ओके कहाँ है यार वो इतनी देर हो गई उसी का फोन है उठाना वही फोन कर रहा है हेलो ए मेरी सोनी कहाँ पर है तू मैं तो कब से तुम्हारा पार्क में वेट कर रही हूँ आए नहीं तुमने पहना क्या है मैं क्या पहना हूँ येलो ब्रांडेड शर्ट है झक्कास ब्लू टी शर्ट है बिल्कुल स्टाइलिश कपड़ा है मेरी जान तू एक बार में पहचान जाएगी मेरी भी एक कंडीशन है क्या है कंडीशन हम यहाँ 6 लड़कियाँ बैठी हैं हाँ? हम तुम्हें नहीं बताएंगे तुम्हें ही ढूंढना है तुम्हें ही पहचानना है अगर पहचान लिया तब तुम्हारा प्यार सच्चा है ओके 6 लड़कियां क्या 100 लड़कियों में भी तुझको पहचान लूंगा मैं ये अवतार बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है तो फिर ठीक है इंतजार किस बात का 2 मिनट मैं आ गया लो मैं आ गया हाय हाय हेलो इधर तो 1:6 का रेशियो है नेट में फालतू टाइम बर्बाद किया यही लड़कियां ढूंढनी चाहिए थी कोई तो पड़ जाती मैं भी अमरपुर का अवतार हूँ हार नहीं मानूंगा पहचान के रहूंगा अभी पकड़ता हूँ अरे बाप रे एक रिंग में 6 फोन बज रहे हैं ए उधर देख लड़का दिखाने की स्टाइल मारना शुरू है डियर तुम ही हो मेरी दिल की राजकुमारी चलो मेरे साथ चलो ना आ जाओ तुम 6 में क्या 60,000 में रहोगी तो भी मैं पहचान लूंगा चलो ना अरे बाप रे मुझे छोड़कर मेरी सहेली को पकड़ रहा है तुझे देखकर मेरा दिल धड़कता है हार्ट बीट बढ़ जाती है तू ही था ना अच्छा फोन वाली तू है ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है तेरा प्यार सच्चा नहीं था क्या गलत कनेक्शन बैठ गया माही देखा ना तुमने मेरी छोटी सी परीक्षा ली तो मैंने भी तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ले ली जनरली लवर की सहेली का हाथ पकड़ो तो लवर को गुस्सा आना वाजिब है और ये प्रूफ हो गया इन सबको गुस्सा नहीं आया सिर्फ तुमको गुस्सा है इसका मतलब तुम मुझे प्यार करती हो हमारे बीच में कुछ हॉट कनेक्शन है क्यों मोटी सही बोल रहा हूँ ना जी जारी हो गया तुम्हारा ये बिल्कुल माही जो जैसा होता है वैसा ही रिएक्ट करता है तुम सब बहुत छोटे ब्रेन वाली लड़कियां हो मेरी बात का विश्वास करो सबकी सब चीप गर्ल्स चीप लोकेशन चीप रेस्टोरेंट चीप लेकिन अपन रिच आदमी है आईमैक्स सिनेमैक्स बीएफसी केएफसी जीएफसी जहां भी बोलेगी वहां चलेंगे बस तो बोल डालो इस साइड में चले हम लोग चलती हूँ बाय बाय गर्ल्स बाय कम ऑन हाय हाय आंटी नो आंटी कॉल मी इली इलियाना ये तो आसपास भी नहीं खाना तो टेस्टी बनना चाहिए मेरा तो एडवांस ही रुक गया हॉस्टल का कैसे अच्छा लगेगा जब बॉयफ्रेंड का खाती है तो अरे ये क्या तू तो बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी इतनी जल्दी कैसे आ गई उसकी जेब का पर्स खाली है तो मेरा मूड नहीं है इसीलिए आजकल के टाइम में कम से कम 2 दिन बॉयफ्रेंड तो मेंटेन करने चाहिए एक टाइम अपने पीछे तो बॉयफ्रेंड्स की लाइन थी और अब देखो दूर दूर तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है ये स्टेज आ गया है सही बोल रही है फर्स्ट टाइम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी कैसा था वो बहुत ही एक्साइटिंग था यार आईमैक्स में सिनेमा केएफसी में चिकन और आखिर में मेरे नाम से 2 कविताएं उसने सुनाई पता है क्या हाँ अभी तो तुझे बहुत अच्छी कविता सुना रहा है बाद में वही कविता तेरा पेट फूकाएगी अपने घर में 4 बकरियां 4 मुर्गियां ना उनको बेच दो मुझको जल्दी पैसे चाहिए मुझे प्यार हो गया है लवर्स को शॉपिंग करवाना पड़ता है हाँ मुझको बुला रहा है कमॉन 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 मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ यार कमॉन कमॉन क्यों बोल रहा है ओएलएक्स पे मैंने कुछ अपलोड किया है कस्टमर्स को बुला रहा हूँ ओएलएक्स पर क्यों ओएलएक्स सुन के गवारों की तरह एक्टिंग मत कर इस पर हम अपनी पुरानी चीजों को बेच सकते हैं टीवी फ्रिज या वॉशिंग मशीन इस पर सब बिकेगा एनीथिंग एंड एनीवेयर फ्रॉम एवरीवेयर ये बता तू क्या बेचेगा फॉरेन में पुरानी चीजों के बहुत ग्राहक होते हैं भाई सच बोल रहा हूँ चश्मा 1,00,000 रुपए में बिका था इसलिए मैं अपने पुराने शूज को अब नाम पर बेच रहा हूँ देखना मजा आएगा सुपर यार लेकिन ये
का शूज है, इस बात पे भरोसा कौन करेगा? सब करेंगे भाई। कैसे करेगा? तू कर रहा है ना? कुछ भी बोल रहा है। ये देख, कस्टमर आ गए। ये शू को साइड पे किसने डाला? मैंने मंदिर से चोरी करके सीधे यहाँ डाला है क्या? तू ऐसा कैसे बोल रहा है? और नहीं तो क्या, गूगल और यूट्यूब के क्रॉस ब्रीड से पैदा हुआ है तू। क्या लिखा था बे कि तू है? हाँ। को कभी देखा है क्या तूने? सच में तो नहीं, लेकिन फोटो में तो देखा ही है। चश्मा पहनते हैं, जेब में रुमाल लगते हैं और हाथ में सांप रखते हैं। हाथ में सांप रखते हैं? एक घूसा मारूंगा तो शक्ल दीवार पे चिपक जाएगी, समझा? देखना ये बिल्ला मुझसे कैसी बातें कर रहा है। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। दिस इज टू मच यार। नहीं तो और क्या, अगर शू और नेहरू का चप्पल बोल के बेचेगा ना तो बिल्ला इस बार कुछ और भी कर सकता है। घर में इस घोंचू को किसने रखा है यार? क्यों, तुझे भी तो रखा ही है ना, भूल गया क्या? मैं घोंचू हूँ क्या? अपुन की बॉडी में गोल्ड मस्त फिगर है। तेरी पर्सनालिटी देख, स्विच बोर्ड की तरह है। मैं ये लव शव के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा, उससे शादी वादी करके सेटल हो जाऊंगा। तू दो टाइम के खाने के बारे में 10 बार सोचता है और तू शादी करेगा? तेरे से तो बात ही करना बेकार है भाई। तू लाइफ में मस्त एंजॉय कर रहा है। तेरा फाइट देखा भगवान, कसम अपुन तेरा फैन हो गया। तू रोमांस का भी किंग होगा ना? मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? मैं पहले एक लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करता है? कौन है वो? नाम क्या उसका? पता नहीं। रहती किधर? नो आइडिया। कहाँ मिलेगी? अरे नहीं जानता। तो सपने में देखा क्या? नहीं यार, माधोपुर में 6 महीने पहले कॉलेज इंटर्नशिप में जाते वक्त। पानी लाओ। I'm really sorry. तुम दौड़ के कहाँ जा रहे थे? मैं डिलाइट कैंपेन इंटर्नशिप में जा रहा हूँ। ओके कम, आई विल ड्रॉप यू देयर। चलो ठीक है, एटलीस्ट अपना नाम तो बता सकती हो ना? नो, गुड बाय। जब से मैंने उसे देखा है ना, तब से हर लड़की में मुझे वही दिखाई देती है, और मैं उसे प्यार करता हूँ ये बात बार बार मन में आती है, इसलिए तब से लेके आज तक मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तेरा प्यार तुझे जरूर मिलेगा भाई। चैटिंग चल रही है? नो नो नो, एक्चुअली मदर टेरेसा अनाथ आश्रम के लिए फंड पाने के लिए मेल कर रही। वाओ, सुपर, ऑल द बेस्ट। बाय। बहुत ही अच्छी थी यार, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इससे पहले कोई और ले ले, मैं उठा लेता हूँ। सॉरी, मैंने देखा नहीं। सॉरी बोल के कहाँ जा रहा है? तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? गिफ्ट तो हमारा टूट गया ना। एक्चुअली उसने बिना देखे दरवाजा खोल दिया और मैं आप लोगों से आकर टकरा गया। आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हमारा गिफ्ट टूट गया, उसका पैसा कौन देगा? मैं क्यों दूंगा, देना तो कार वाले को चाहिए। रे, प्यार से समझ में नहीं आता तुझे? तू देगा कि नहीं देगा इसका पैसा? गिफ्ट कितने का है? गिफ्ट 300 रुपए का है। चल निकाल जल्दी से। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। दिखा तो तेरा जेब। ये मतलब ये मेरा फोन है, ये फोन है मेरा। फोन तो अच्छा है, पैसा लेके आना और फोन लेके जाना। प्लीज मेरा फोन मुझे दे दो। चलो फोन मुझे दे दीजिए, अब मैं बात कैसे करूंगा? अबे डरा दिया मुझे। ये तो क्या कर रहा था बे? तेरे को वार्निंग दिया था ना हॉस्टल का। अब भी फोन करता हूँ नाना को। देख ये ले यार, मैं इसका क्या करूंगा? नहीं पीता क्या? मैं तेरा सिगरेट क्यों पीऊंगा?
आज के लिए तेरे को छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा, समझा? आंटी सॉरी आंटी। तुम क्या ब्रांड बकवास है? हाँ ठीक है, सिगरेट पीता है। सिगरेट पिएगा ऊपर से ब्रांडेड वाली, एक दिन इसकी पिछवाड़े में मैं तो आग लगा दूंगा। ए वही होगा, ला मैं उससे बात करती हूँ। हम भी सुनना चाहते हैं कि वो क्या बात करेगा तुझसे। क्या मतलब, हमें भी तो पता चले वो क्या बोलेगा। हेलो सुनिए, ऐसा है मैं बेसिकली किसी का एडवाइस नहीं देता हूँ, पर पता नहीं क्यों आपको देखकर मैं तीन पन्नों की बातें करना चाहता हूँ। आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी ना। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, नेक्स्ट ईयर हैदराबाद में मैं तुम्हारा स्टैचू भी लगवा दूंगा। एक बार सामने आ जाए इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे क्या कर रही है, वो क्या बोल रहे, मुझे सुनना है। हाथ हटा। सुनिए कल सुबह 10 बजे आप मेरा मोबाइल लेकर मथुरा नगर के बाग में आ जाइएगा, मैं आपको वहाँ पैसे दे दूंगा। ए, तुझे फोन चाहिए ना? हाँ। तेरे तो ये क्या, तूने उसका फोन तोड़ दिया, अब मैं उसको क्या बोलूंगी, अब वो पागल मेरी जान खा जाएगा। एक बार उसे आने तो दे, उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगी। हाय कैसी हो? अच्छी हूँ। ज्यादा देर हो गई क्या? नहीं अभी अभी आई हूँ। आप फोन लाई है क्या? आपका फोन, आप प्लीज पैसे मत बढ़ाएगा, जितनी भी बात है वही ओके, इस बार मान जाइए ना प्लीज, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मान जाइए ना प्लीज। यहाँ पे क्या लफड़ा चल रहा है, अभी इन लोगों से कुछ पैसे ऐंठता हूँ। अरे बात ऐसी है ना, मैटर पहले मुझे बताओ, क्यों रे नहीं पड़ रही है क्या? आप सही टाइम पर आए, इससे बोलिए ना रेट फिक्स कर ले। पुलिस से रेट फिक्स करने के लिए बोल रहा है, चल पुलिस स्टेशन। स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मोबाइल की बात कर रहा हूँ, बोलो। अभी तूने मोबाइल बोला है, पहले तो कॉपरेट करने की बात बोल रहा था, तू मेरे को लूमत बना समझा क्या? 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तेरे को जो भी बोलना है ना मैं तेरी पूरी बात सुनूंगा, चल पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन की जाना है, बाहर ही सेटल कर लो ना। 100 रुपया चल, ये भी ले लीजिए। ठीक है जा, पड़ जा तो लेके जा। उसे पैसे क्यों दिए जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया? वो पैसे लेके गया जाने दो, लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन जाती तो आपकी बेइज्जती होती ना, आपके फ्रेंड्स के बीच में भी आपका नाम खराब होता। गलती मेरी है, मैंने गलत तरीके से बोला इसलिए वो ऐसा समझा, सॉरी। ओके ओके, मैं भी ना आपसे सॉरी ही बोलने आई हूँ, आपका फोन गिर के टूट गया। मेरा फोन टूट गया? हाँ, अभी मैं नया फोन खरीद के देती हूँ। कोई बात नहीं, जानू तुझे याद कर रहा था। क्या बोले, सिनेमा चलेंगे, शॉपिंग चलेंगे, अभी तक निकले नहीं क्या? आ रहा हूँ ना यार, मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे फोन रखेगी तब ना पहुँचूंगा मैं। ठीक है जल्दी से पहुँचो। जेब में माल है कि नहीं? बटुआ तो पूरा खाली है, पैसे ही नहीं है यार, इसका फोन आता तो मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं, अब कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं? जब तक रहेगा बॉडी में सोना तब तक जिंदगी में कभी नहीं रोना। आ रे लाबुन। जाएगा वरना ऊपर जाएगा, तू क्यों परेशान होती है यार, तू टॉर्चर मत किया कर। हाय कौन है? तुझे हाय क्यों बोल रहा है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? लगता है आप मुझे भूल गई। इससे पहले हम दोनों माधोपुर में मिले थे और आपने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था। ओ, उस दिन वाली बात ना मैं भूल गई थी, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाया और तब से लेके आज तक मैं बस आप ही को ढूंढ रहा था। अच्छा मतलब एड्रेस देंगे तो घर पहुँच जाएगा, फोन नंबर देंगे तो फोन करेगा, सही है ना? या Exactly. लेकिन ये नहीं बटेगी, चलो जल्दी चलो। कौन है सिनू यहाँ पे? तू है? जल्दी बुलाओ सिनू को यहाँ पे। अंकल, कौन अंकल, है? प्लीज तू है क्या? आवाज मत करिए, बैठ के बात करते हैं। मैं क्यों बैठ के बात करूँ? तुम समझाओ ना। मैं यहाँ पे बैठ के तेरे से बात करने को नहीं आया हूँ। इसका चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? ए, मैं बात कर रहा हूँ, तू कौन है? शोर क्यों हो रहा है? कौन है ये? देखिए सर, तो ये है यहाँ के नाना। क्या तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है?
जिम्मेदारी कहाँ है जिम्मेदारी? सिर्फ बच्चों से पैसा लेता और कुछ भी नहीं। बच्चे क्या करते कहाँ जा रहे इसकी जानकारी है तुमको? इसका ध्यान कौन देगा? किया क्या है वो बोलो ना। ये लड़का दिन रात इसके पीछे घूमता है, हॉर्न बजाता है, ये जहाँ जहाँ जाती है इसके पीछे पीछे जाके उसका पीछा करता है। ये है तुम्हारी कैरिंग? आपके पिताजी जो कह रहे हैं सच है क्या? ये छोटी बच्ची है क्या बोलेगी? मैं बताता हूँ तुमको, ये जब कॉलेज से बाहर आई तो इसने इसको आई लव यू बोला। क्यों बोला कि नहीं बोला बोल? अगर दोबारा इसको हाथ लगाया तो उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। इस उम्र में ये लोग प्यार नहीं करेंगे तो क्या हम तुम प्यार करेंगे? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए इनको समझाने के बजाय तुम इनको सपोर्ट कर रहे हो? ये लड़का इससे प्यार करता है, आई लव यू कह दिया तो बुरा क्या है? 18 साल के बाद तो सरकार भी वोट देने का अधिकार दे देती है, और एक उम्र के बाद लड़का लड़की प्यार करते हैं जो किसी से नहीं पूछते। पसंद है तो ओके बोलो, नहीं तो सॉरी बोल दो, और अगर बदतमीजी करें तो 20 सड़क पे खड़े करके चप्पल से मारो। आपने क्या किया? बंद कमरे में चार लोगों के साथ बैठ के बात करने वाले मैटर में 10 लोगों के सामने अपनी लड़की को खड़ा करके बात कर रहे हैं। क्या है ये? कैसे पिता हैं आप? जाइए अपनी बेटी को घर ले जाइए, जाइए। चल, चलिए। एक मिनट बेटी सुनो, अगर इसने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो अपने पिताजी से नहीं मुझसे कहना, मैं इसे नंगा करके मारूंगा। जाओ बेटी। ना ना आप तो ग्रेट है, सुपर बहुत आ गया, क्या बात है, जवाब दिया आपने। तेरे घर वालों ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तू ये कर रहा है? सॉरी नाना, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो लड़की मुझे पसंद है इसलिए मैंने आई लव यू बोल दिया। ऐसा क्या? तो फिर जा लड़की को सूटकेस के साथ बोला मैं शादी करा दूं। शादी? हाँ। शादी कैसे कर सकता हूँ नाना, प्यार करता है ना। प्यार तो मतलब प्यार किया है ना, लड़की को लेकर इधर उधर घुमाएगा, एंजॉय करेगा बस, और शादी करने की बात आई तो लड़की को पालना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा, है ना? असल में प्यार का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तूने किसी लड़की को आई लव यू कह दिया तो उसी जड़ से वो तेरी जिम्मेदारी बन गई, इस बात को मान ले, क्या समझा? अभी उस लड़की का पिता तुझसे झगड़ा करने क्यों आया था पता है? कि तू कोई काम धंधा नहीं करता तो उसे पालेगा कैसे? अगर तू कुछ काम कर रहा होता ना तो उसी लड़की का पिता तुझसे रिश्ता करने आता, सच है। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस वसुंधरा? यस, स्पीकिंग। मदर टेरेसा अनाथ आश्रम की तरफ से आपने फंड की मांग की थी ना, मैं वही रमन बात कर रहा हूँ। सर आप हैं? यस, स्टूडेंट होते हुए भी आप इतना अच्छा समाज कल्याण का काम कर रही हैं। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। सिद्धू नाम का मेरा भतीजा है, उसका नंबर नोट कर लो। ओके सर, एक मिनट। 9347744044 आप एक काम करिए, सिद्धू को कॉल कीजिए और उसके टच में रहिए, फंड के विषय में क्या हो सकता है हम देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, हेलो। हेलो, सिद्धू जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। मैं ना मदर टेरेसा अनाथ आश्रम की तरफ से बात कर रही हूँ। अरे यही तो थी, कहाँ चली गई? टाइम पे फोन कर दिया तुमने, अच्छा हुआ आज सुबह किसी की शक्ल नहीं देखी, 1000 रुपए मिल गए। एक काम करना, 500 रुपए मुझे देना। ए तू कौन है? मैं नहीं जानता। अंकल मेरी हेल्प कर दो ना। अरे वाह, बचपन के महेश बाबू एनटीआर लग रहे हो, बोलो क्या हेल्प चाहिए? एक बार आप इस घर की बेल बजा दोगे क्या? देखा ना, रोड पे कितने सारे लोग आते जाते हैं लेकिन बच्चों ने सिर्फ मुझे बोला, ये है फेस वैल्यू। चलो बेटा, तो छोटा कृष्ण और छोटा भीम लग रहे हैं, अगर बेल बजा दो बहुत पिटेगा तू। तू क्या डरता रहता है, मैं कोई पागल हूँ क्या? मैं बजाऊंगा बेल। तो फिर बजा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बोल। ये डरपोक है, चलो बच्चो पक्का पिटेगा। जिंदगी में डरने का नहीं बस लड़ने का। कौन सी बेल बजानी है बताओ? ये वाली अंकल। ये बेल एक बार में नहीं खुलेगा, 4 बार बजाना पड़ता है अंकल। अच्छा, एक बार में नहीं सुनता, 4 बार बजाना पड़ेगा। हाँ। ये देखो, ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, अब खुलेगा तो। ये कहाँ गए? आपके
बच्चों ने बोला इसलिए बेल बजाई ना। ए, मेरे बच्चे थोड़े नहीं है, चार साल से मैं धुएं में झक मार रहा था, अब मैं अपने बच्चे के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो बेल बजा बजा के मेरा मूड खराब कर दिया सब। चल निकल, दोबारा बेल मत बजाना। ए, वो बच्चे नहीं, ए हीरो इधर आओ, क्यों पिटवाया मुझे? मैं तो रोड में चुपचाप जा रहा था, मेरी ऐसी हालत क्यों करवाई तुम दोनों ने? कुछ नहीं अंकल, मेरी माँ जब भी इसको मारती है बोलती है पाँच के पाँच उंगली चप जाएगी। मेरे इस भाई को डाउट है कि पाँच की पाँच उंगली कैसे चप सकती है अंकल। देखा ना भैया, ये उंगली चपी है, बाल पे भी तो चपी है। तुमको ट्रायल करने के लिए मैं ही मिला था क्या? तुम दोनों सुनो, इधर आओ। जल्दी चलते हैं, बहुत लेट हो गए हम लोगों के। ए, हाय, आज सिर्फ तुम दोनों ही हो, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर है? क्यों, वसु की बात कर रहे हो? क्या कहा, वसु? नाम तो बहुत ही अच्छा है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ये कैसी बात कर रही हो यार, हम सब तो फ्रेंड्स ही है ना, लेकिन आपकी फ्रेंड का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नेचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ। लड़की के ऊपर ना, सोशल सर्विस को ट्राई कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। 1 मिनट का फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, सिद्धू बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं मदर टेरेसा अनाथ आश्रम से बोल रही हूँ। यूएस में आपके अंकल रामनाथ जी है ना, उनसे आश्रम के फंड के लिए बात हुई है। उन्होंने डिटेल्स के लिए आपसे टच में रहने के लिए कहा है। मॉर्निंग में कॉल किया था पर आपने कट कर दिया। बाद में फोन करने को बोला तो एक एक घंटे में फोन करेगी क्या? यहाँ हमें कोई और काम नहीं है क्या? अरे, और मैंने तुमसे कोई उधार लिया है क्या? टच में रहने का मतलब बार बार फोन करके तंग करना नहीं होता है। चलो अब फोन रखो। और ये कहाँ चली गई? छह, लगता है ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए पैदा हुई है। हेलो, अभी आप फ्री हैं क्या सर? मैं मदर टेरेसा अनाथ आश्रम से। अरे यार, आपका फोन करने का कोई टाइम टेबल नहीं है क्या? सर, थोड़ा दिल आप में भी होना चाहिए। एक बड़ा आदमी दूर रहकर भी छोटे बच्चों की मदद करना चाहता है, और आप यहाँ रहते हुए भी अनाथ आश्रम आने में इतना बिलजब खा रहे हैं। ज्यादा मुझे मांगनी होती तो वेट कर सकती थी, पर छोटे बच्चों की हेल्प के लिए आप इतनी बार फोन करा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, इतना वेट मत कराइए। अंकल ने टच में रहने के लिए कहा था, इसलिए मैं फोन कर रही हूं। कृष्णा, 3 चाय देना। मेरे जीजा करोड़पति हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। ए, करोड़ रुपए तो आराम से कमा सकते हैं लेकिन वोट नहीं कमा सकते। अब वो कैसे जीतेंगे बता? तेरे जीजा को बोल पैसा है तो मस्ती करें, फालतू इलेक्शन मत लड़े। चाय पिला यार, बहुत डर लग रहा है। क्यों, समझ में नहीं आ रही क्या बात? चुप कर। क्यों रे, बहुत डर लग रहा है तू? कुछ नहीं यार, मुथूट फाइनेंस किया था। वो क्या? ए यार, हाँ जी, किससे बात कर रहा हूँ मैं? सिद्धू, मुझे अर्जेंट में 50,000 रुपए चाहिए यार। 50,000 रुपए? वो किस लिए? कल मेरी डार्लिंग का बर्थडे है यार, मैं उसे डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपनी इज्जत भी तो बचानी है यार। ए, तू झूठ बोल के प्यार कर रहा है, इसी चक्कर में तेरा सारा सोना बिक गया है, देखना एक दिन तू रोड पर भीख मांगेगा। कैसी बात कर रहा है यार तू? तुझको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, मैं प्यार के लिए जान भी दे सकता हूँ। अयो, ये कौन बकरा जी जो प्यार के लिए जान देना चाहता है? जरा चुप रहो, अंकल का फोन है। हेलो, सिद्धू, मेरी एक बात सुन। मदर टेरेसा अनाथ आश्रम को 1 करोड़ का फंड देने जा रहा हूँ। अनाथ बच्चों को 1 करोड़ का फंड? तो एक बार जाके जरा डिटेल्स निकाल तो। या, मैं वहाँ जाकर इंक्वायरी करके आपको फोन करके बताता हूँ। ओके ना? हाँ ओके, बाय। भाई भाई, अपने अंकल को बोल दे मैं भी अनाथ हूँ, मुझे भी पैसे दे दे। ए, अंकल अनाथ बच्चों को फंड दे रहे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और तू जैसे गधे को तो देखेंगे भी नहीं, इसलिए चुप रहे। मैं चलता हूँ। बात नहीं, दोस्तों की कोई वैल्यू नहीं तेरे लिए, निकल ले यहाँ से। तेरी तो। एक्सक्यूज मी, मैं तेरे को उधार दिलाएगा। तुम मुझे जानते हो क्या? कोई जरूरत नहीं, तुझको देख लिया, तेरी जरूरत को देख लिया, तू प्यार के लिए अपनी जान देना चाहता है, तेरा कमिटमेंट है एकदम पक्का। मेरे साथ आने का हुआ अवतार, मुझे लगता है तेरा बहुत बुरा टाइम शुरू होने वाला है। बे ए, चुप कर, मुझे छोड़ दे भाई, मैं अभी पैसे मंगाता हूँ, फोन करके मंगाता हूँ। उसका फोन काम नहीं कर रहा तो पैसा कैसे मंगाएगा? ये पैसा दे देंगे। मैं फाइनेंसर हूँ, रिटर्न देख कर देता हूँ, सेंटीमेंट्स नहीं देखता। क्या बे, तेरी बीबी को इन लोग के पास छोड़ दूँ वो करेक्ट है, या तो हॉस्पिटल में जाकर अपनी किडनी बेचकर पैसा लाएगा वो करेक्ट है? बॉडी से 1 किडनी निकलने पर कोई मरता नहीं है। सुनो रे, इसके बाद समझ में आ गई, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, जल्दी लेकर जाओ।
अन्ना नमस्ते अन्ना। यार टिंकू आजकल बहुत आता है यहाँ तू। आपका आशीर्वाद जी। नमस्ते अन्ना। नमस्ते। ये कौन है? हाय। मैं हूँ अवतार फ्रॉम अलकापुरम। टैगलाइन क्यों बता रहा है? मेरा स्टाइल है। ओहो अन्ना मारवाड़ी अपना ही आदमी। अपना आदमी ठीक है, गिरवी रखने के लिए कुछ है क्या? गोल्ड होता तो मुथूट से मिल जाता और बाइक होती तो मुझे तिरुपति से लोन मिल जाता। मैं तुम्हारे पास क्यों आता बोलो? आधा मुंह खोलेगा तो अभी अस्पताल पहुँचा दूंगा बे। कितना चाहिए? ओनली 50,000 रुपीज। देख मेरे भाई, मैं वीकली फाइनेंस करता हूँ, अगर टाइम पे पैसा नहीं दिया तो मैं बॉडी का एक एक पार्ट निकाल कर भेज दूंगा। सारी कंडीशन इसमें लिखी है, ओके है तो साइन कर। आप मेरी जरूरत तो मुझे हेल्प कर रहे हो भाई, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। भाई ने मुझे आपसे मिलवाया है, आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि भगवान से मिल गया। लाओ पेन लाओ। थैंक यू डूड, घर लक्ष्मी के दर्शन हो गए। अब अपन जा रहा अपनी हीरोइन के पास। अपने आप को चिरंजीवी समझ रहा है। हाय डार्लिंग, 5 मिनट्स में आई एम कमिंग देयर। यह यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब फेक है। अब तक मुझे फोन करके तंग कर रही थी ना, अभी तुझे बताता हूँ, मैं अच्छे से सुनाऊंगा। ए, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं US में जो मेरे अंकल हैं उनसे अनाथ बच्चों के फंड के लिए आपने मेल किया था। हाँ वो मैं ही हूँ। मतलब रामना जी का भतीजा सिद्धू और जो फोन पे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था वो आप ही है ना? फंस गया बेटा, कुछ तो मैनेज कर। ची 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 ची, उससे तो मुझे क्यों कंपेयर कर रही हो? वो तो बकवास इंसान है। अरे वो मेरा रूममेट है, बोलने के लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका नाम सिद्धार्थ है और मेरा नाम सिद्धू है। बच्चों चलो आप लोग पढ़ाई करो। पर रामनाथ जी ने भी अपने भतीजे का नाम सिद्धू ही बोला था ना? सिद्धार्थ को सिद्धू तो कह ही सकते हैं। तो फिर हम लोग कैसे मान ले कि तुम वो सिद्धू नहीं? अरे वो बात नहीं है, अपने हिसाब से कुछ भी मत सोचना। वो अलग है और मैं अलग हूँ, बस इतना ही। हाँ, रात में जब आपका फोन आया था तो मैं वहीं पर था। आपका बच्चों के प्रति प्यार सुनकर तो मैं हैरान हो गया। अरे मुझ जैसा सोचने वाला कोई और इंसान भी है? मैं तो एकदम शॉक हो गया। इसलिए उसने आपके साथ जो बदतमीजी की थी ना, उसके लिए मैंने अच्छा सबक सिखाया। मैंने अंकल को कॉल किया। अंकल मेरे भी अंकल ही हैं। और अभी ये सारी फंड की बातें सिर्फ मैं ही देखने वाला हूँ, ये मैंने अंकल से प्रॉमिस किया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही इन अनाथ बच्चों को सहायता मिलती है। हम तो दिल वाले हैं। इफ यू डोंट माइंड मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? हाँ श्योर। आप अपना नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको मिस कॉल देता हूँ। ओके। हाँ, दैट्स बेटर। 970-970-588-9629-9629। अच्छा, वो डुअल सिम की वजह से बच गया, वरना फंस जाता। ओके। ओके। कम। या। एक्चुअली वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मात्र देवो भव। मात्र देवो भव। मित्र देवो भव। मित्र देवो भव। आचार्य मात्र देव भवा का मतलब क्या है? माँ देवी के समान होती है। देवी भी क्या माँ की तरह होती है? मेरी माँ तो मुझे स्टेशन पे ही छोड़कर चली गई थी। क्या मेरी माँ अच्छी नहीं थी? माँ हमेशा अच्छी होती है, ठीक है ना? अरे यार तेरा दिमाग खराब है क्या? तू उस लड़की की इतनी हेल्प कर रहा है और अपने दिल की बात उसको नहीं बता रहा है। अपने दिल की बात बतानी तो चाहिए यार। हाँ। ए, वो बात तो मैं जानता हूँ यार, मैं उसे बुलाऊं तो वो कहीं भी आ जाएगी, लेकिन फंड देने के चक्कर में उससे फ्रेंडशिप बढ़ाना, उसका एडवांटेज उठाकर मैं अपने प्यार को नहीं पाना चाहता, ये अच्छा नहीं लगेगा। आजकल की लड़कियां इस तरह से नहीं सोचती हैं सच में। हाँ। लेकिन मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। तू महान है, जो करना है कर जा। हेलो। हाय सिद्धू। हेलो। वो मैंने अंकल से बात की थी तो 2 दिन में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। मैं सिर्फ फंड लेने के लिए ही तुमसे बात कर सकती हूँ क्या?
If you don't mind, क्या हम कॉफी पे मिल सकते हैं? Yeah, why not? Sure. मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही। मैं तुमसे बिना बात किए रह नहीं सकता। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ही ब्रश करता हूँ, जब तुम्हें देखता हूँ उसके बाद ही नाश्ता करता हूँ। कम से कम उसके बगैर नहा तो लेगा ना। सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं? दूध को लीटर में नापते हैं, शक्कर को किलो में तोलते हैं, पर प्यार को कैसे तोलते हैं पता नहीं, नहीं तो तुम्हें बताता। हाँ, क्या बात है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तुम लड़कों को बातें भी बनानी नहीं आती। तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के को क्या करना चाहिए? वो तुम क्यों जानना चाहते हो? जनरली तुम अपना ओपिनियन तो बता ही सकती हो। जनरली लड़के बातों से इम्प्रेस करना चाहते हैं, प्यार में फंसाना चाहते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं वो सच नहीं होता। अगर एक लड़का सच नहीं कह सकता तो प्यार कैसे कर सकता है? प्यार करता है तो लड़की पर भरोसा करना चाहिए और उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन जिंदगी भर साथ साथ रहे, ये सिंसियरिटी कहलाता है। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो लड़के में सिंसियरिटी और ऑनेस्टी जरूर होनी चाहिए। तो मुझे सिंसियरली तुम्हें एक सच बात बतानी है। मैंने जो बताया था वो सिद्धार्थ और सिद्धू अलग नहीं है, वो दोनों मैं ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ वसु। मैं टेंशन में था इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। तुमसे पहचान बनाने के लिए और किसी भी तरह फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए मैंने छूट दिया था, लेकिन तुम्हारे इमोशन से खेलना नहीं चाहता था। Thank you.
से देखा तुमको चैन नहीं हमको पल पल तुझको ही मांगे दूं। ये लोग किसी दिन मुझे पक्का मार डालेंगे। कितना अमेजिंग है ना, 20 मिनट तक तो हंसी रुकी नहीं पाई। ओह माय गॉड, आई लव्ड इट। क्रिसमस पार्टी, चलो हाय। हे सरप्राइज, यू इडियट, कहाँ थे तुम? मेल नहीं तो कम से कम फोन तो कर सकते थे। सॉरी बेबी, बट आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू। तू कैसी पहले ये तो बता। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू। ये कौन है? ये सिद्धू है। प्लीज बॉस, 5 मिनट आप वहां बैठेंगे प्लीज। थैंक यू सिद्धू। थैंक यू बॉस। हां बैठो। अरे सुनो सिद्धू, सो लेट्स सिट हियर, कम बैठो। और बताओ आजकल क्या कर रही हो, क्या चल रहा है, और अपने कॉलेज की डेज क्या मस्त है यार। यस, और पता है साहिल भी आजकल लंदन चला गया है। शैल वी मूव? या आई विल सी यू लेटर। श्योर, बाय। वी आर गेटिंग अ बिजी टोन ऑन दिस नंबर प्लीज। अच्छा, बिजी करके रखा है। हेलो, क्या है ये, कब से फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा सकते क्या? बात क्या है बताओ ना। तुम ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? अरे तुम दोनों बहुत बिजी लग रहे थे ना, तो तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूँ ये सोचकर। अरे उससे बात करने से तुम जल गए क्या? ठीक है बाद में बात करते हैं, बाय। थोड़ा भी दिमाग नहीं है इसमें, इडियट, पागलों जैसा बिहेव कर रहा है। वसु, सिद्धू के लिए जो तेरी फीलिंग्स है वो तूने उसे बता दिया है ना? अभी नहीं, मैं सिद्धू से प्यार करती हूँ। कल उसने मुझे मेरे बचपन के दोस्त के साथ देख लिया। मैं उसे प्यार करती हूँ ये बात मैं उसे कल ही बोलने वाली थी। तो उसे बोल देना चाहिए था। अब मैं कैसे बोलूं? मेरे प्यार को, गुस्से को, मेरे एक्सप्रेशंस को वो समझता ही नहीं है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? अब जैसे ही सही मौका मिलेगा मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। पहने रहता हूँ नहीं तो कोई भी मुझे पकड़ लेगा। अब इसके ऊपर से सिगरेट पीनी पड़ेगी। ओए बाप रे, इसका फोन आता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। रख फोन। अरे बाप रे, ये लोग आ गए क्या? हेलो 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 हेलो, पेड़ से टकरा मत जाना बे। अरे सिगरेट पी के सीने क्यों जला रहा है? कलेजा बेचना पड़ा तो है। तू क्या सोच रहा है, हेलमेट पहनने से पहचान नहीं पाएंगे? सियाणा है क्या? अरे बोपर संभाल के, साथ में गर्दन आ गई तो। भैया आप आए, वो हेलमेट पहना था इसलिए पहचान नहीं पाया। चल ठीक है, मैंने तो तुझे पहचान लिया ना। ऐसी बात नहीं, धूप बहुत ज्यादा थी इसलिए पहन लिया था भाई। ठीक है, भाई से पैसे लिए हुए तुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक दिया क्यों नहीं? वो क्या है ना भाई, अब आपसे क्या छुपाना, इस महीने थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है भाई, दिमाग काम करना भी बंद कर दिया है। तेरा टुकड़ा हम लोग नहीं सुनने वाले। तूने अगर भाई को सही टाइम पर पैसा नहीं दिया तो कॉमेडी सीन में भी हम एंट्री करेंगे, और अभी अपना सीन है। हे डॉक्टर, इधर आ। डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो भाई? वेट एंड वॉच यार, चेक कर, नीचे से कर, हाथ लगा के देख। क्यों कर रहे हो? ब्लड टेस्ट कर। अरे अरे, ये खून क्यों निकाल रहा है? अरे बाप रे, ये क्या भैया, इसने मेरा ब्लड सैंपल क्यों लिया? तेरी किडनी का ग्रुप क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। किडनी का? वो किस लिए? एग्रीमेंट तूने ठीक से पढ़ा नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। पेपर में साइन करने से कोई किडनी निकाल लेता है क्या? अच्छा एक बात बताओ अवतार भाई, तुझे उठाकर तेरी किडनी निकाल देंगे, उसके बाद तुझे बताएंगे तो ये बात तुझे अच्छी लगेगी क्या? और उसके बाद तुम लोगों को कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कॉल करूंगा तो उठाना, जब कटिंग करेंगे तो कॉपरेट करना। ओके, इसको पूरा एग्रीमेंट दिखा दे, समझाना। इसको मुँह से पाने के लिए दोबारा दे दे, आया था पैसा लेने। ये भी ना हमेशा फोन करके तंग करती रहती है। कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन उठाने का कॉमन सेंस नहीं है क्या? मेरा फोन नहीं उठा सकते, इतने बिजी हो तुम। तू कहाँ है पहले ये बता। जिस पार्क में तुम हमेशा लेके आते हो ना, उसी पार्क में ही। तू वही पार्क में रुक, मैं भी पहुँच रहा हूँ, आज मैं तेरा फैसला करके रहूंगा।
अच्छा यहाँ पर है, अब बता तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरा प्रॉब्लम। रिंग दो तो कॉल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते, फोन करते ही फोन कट करते हो। क्या समझते हो मुझे, बताओ ना मुझे। तू रुकेगी तब मैं बोलूंगा ना। मैं समझ गई, अब तुम्हारा प्यार कम हो रहा है। और कैसे प्यार करूं? तेरे चक्कर में सब कुछ तो बिक गया है मेरा। शुरू में तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी दुनिया हूं, अब तुम्हारी दुनिया छोटी हो गई है, बहुत छोटी। तब मुझे नहीं पता था कि तेरे प्यार के चक्कर में मेरी जिंदगी ठंड हो जाएगी। तुमसे बात करने से अच्छा मैं हुसैन सागर में डूब जाऊं। डूब क्यों जाएगी, चल ना, मैं तुझे कुएं में धकेल देता हूं, चल। क्या हो गया? तेरे चक्कर में मेरा पूरा सोना बिक गया, तुझे कोई कदर नहीं है मेरी। तू टच करती है मैं कंगाल हो जाता हूँ। यू आर हर्टिंग मी। हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मुझसे बात कर रही है? सिर्फ हिंदी में बात कर। ए, क्यों बच्चे को मार रहा है? क्या रे, तेरी बेटी है? नहीं तो। तू कभी इसको गोल्ड के शॉप में ले गया क्या? नहीं। सिनेमैक्स में? नहीं। आईमैक्स में? नहीं। कुछ खर्चा किया इस पर? नहीं। मेरा पूरा बदन सोने से भरा था और आज मैं कंगाल हो गया हूँ और तू आया इंक्वायरी करने तेरी तो। अब बोल जो भी बोलना है। तेरा नाम क्या है? माँ। है? माही। असली नाम बता। महाकाली। बाप रे, अरे रे रे रे, इसीलिए तो महाकाली ये तेरा रूप है? शहर में आकर लड़कों से प्यार से बात करती है, आईमैक्स और सिनेमैक्स में उनके साथ फिल्में देखने जाती है, तेरे पीछे मैं कंगाल हो चुका हूँ, बात कर रही है। मैंने तुमसे कहा था क्या? तुम ही कहते थे कि आईमैक्स चलो, मूवी चलो। खींच के थप्पड़ कर मेरी बात को बीच में काटा तो तुझे क्या, तेरे बाप को भी पीटना पड़ेगा। मुसीबत पैदा करके यहाँ शहर में छोड़ दी है। मुझे जो कुछ बोलना था बोल दिया, मेरे डैडी के बारे में इज्जत से बात करो। अच्छा, बाप डैडी बन गया? कल तक बाप बोलती थी, आज डैडी बोलने लगी तेरी तो। अबे अवतार। कल तक मैं अवतार जीता, आज मैं अवतार रह हो गया तेरी तो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इधर आ, इधर आ, आज मैं तेरी बेड से पूजा करूंगा। इधर आ, आजा महाकालिया। ए चाचा, तू बीच में मत आना, महाकाली की जय हो। ए, जिसको फोन करके बुलाना उसको बुला, मैं किसी से नहीं डरता हूं। अवतार, तूने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तुझ पे पुलिस केस करके निर्भया केस की तरह तुझे फांसी तक नहीं पहुंचाई, तो मेरा नाम भी महाकाली नहीं। मुझको पुलिस की धमकी दे रही तेरी तो जान से मार दूंगा। जिसको बुलाना उसको बुला ले, मैं यही पार्क में खड़ा हूं। पुलिस स्टेशन। लवर को मारा तो अरेस्ट करेंगे क्या? हूं, मैं अपनी सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहा हूं, ये मेरी आदत है, इट्स माय कैरेक्टर। लड़कियों को अरेस्ट करने के लिए लेडी कांस्टेबल होती है, ऐसा रूल है, लेकिन तुमने लड़कों को अरेस्ट कर लिया, व्हाई? व्हाई, टेल मी आंसर। असल में सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। ये क्या है, ओल्ड सेटअप, ओल्ड गेटअप, धूल खाती फाइल्स, पुराना टाइपराइटर, ऐसा लग रहा है कि टेररिस्ट बैठे हुए हैं। सही बोलो ना बिडू। सही बोला। तुझे क्या हो गया, हॉलीवुड सिनेमा में तूने पुलिस स्टेशन देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो मैं तुझे इंग्लिश डीवीडी दे दूंगा, तू देखकर सीख लेना, समझी? अरुंधति, असल में तू बहुत लकी है, जानती है क्यों? मैं हट नहीं हुआ हूँ इसलिए। नहीं तो बस मैं एक सीटी मारूंगा ना, 2 मिनट में तेरी वर्दी उतर जाएगी, तेरी नौकरी चली जाएगी, और कट करने के बाद नेक्स्ट सीन में तू किसी मंदिर के सामने किसी फुटपाथ पर ऊपर फूल बेचती नजर आएगी। फूल ले लो, गुलाब के फूल ले लो, तेरी हालत खराब हो जाएगी। अपना थोबड़ा देख, अपना ड्रेस देख और अपना साइज देख एक बार, है? कोई चोर चैन छीन के भागे तू दौड़ के पकड़ पाएगी क्या मोटी? आई वॉन्ट आंसर। मजाक किया मैंने, मेरी नौकरी छीनेगा तू? माफ कर दो मुझे। और क्या बोल रहा था तू? मेरा ये ड्रेस तुझे पसंद नहीं है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये ऐसा है अरुंधति, ड्यूटी पे है अभी, चाहे पति ही क्यों ना हो, अगर पत्नी पे हाथ उठाएगा तो अंदर कर दूंगी। माफ कर दो, कभी नहीं करूंगा मैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रे। माफ कर दो। बहुत बोल रहा था ना, अब बोल। अरे मेरे हाथ में गन है और उनके हाथ में लाठियां हैं। अगर दोबारा मुझसे ऐसी बात किया ना, तो ये गन की सारी बुलेट तेरे अंदर डाल दूंगी, समझा तू? इस घोचो पे एक और राउंड मारो। एक्सक्यूज मी मैडम, काम क्या है? अवतार नाम का हमारा दोस्त। माफ कर दो, बचा लो भाई, मेरे को बचा लो, मैं अंदर पहुंच गया हूं भाई। अवतार, अरे तूने क्या किया था? पब्लिक प्लेस में लड़की पे हाथ उठाया इसने। लेकिन उसे लॉकअप में अंडरवेयर में क्यों रखा है मैम? तू साफ करके क्यों बात कर रहा है? ए चुप, पागल, जरा चुप रहे। मेरी बात सुनो, वो लड़की अच्छी है इसलिए सिर्फ मारा बोल के रिपोर्ट की है। अगर वो रेप केस या मर्डर केस लिखवा देती ना, तो तेरा ये दोस्त जिंदगी भर जेल में ही चक्की पीसता। कोर्ट इतना फास्ट है क्या? हाँ, आजकल कोर्ट बहुत फास्ट चल रहा है बाबू। माफ कर दो मुझे। मैडम, अनजाने में हमारे दोस्त ने गलती की होगी, अब आप ही अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना। आप देखिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, आप जाके उसके पैर पड़ेंगे या धमकाएंगे। अगर वो लड़की रिपोर्ट वापस लेती है तभी ये बाहर आएगा, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मैडम, हम कुछ ना कुछ करते हैं। अबे छोड़ के मत जाओ बे। उसने मुझे पब्लिक में मारा। उसने तेरे पे हाथ उठाया ना, सच बताती हूँ, मेरे हाथ लगा ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बाकी तू बोल।
भाई कुछ भी हो ये बिल्कुल हमें माही से कुछ बात करनी है। सिद्धू बोलो ना उसको बुलाए। माही नाम की लड़की होगी, जरा बुला ना। एक मिनट रुको। माही जी क्या हुआ? पिछड़ो। क्या रे, पब्लिक प्लेस में हाथ उठाता है और यहाँ सबके सामने पैर पकड़ने आया है? ए, मैं तुम्हारे पैर पकड़ने नहीं आया हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिस लड़की ने उस पर केस किया उसे बुला, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा, इतना बड़ा मर्द है क्या? क्यों, तुझे देखना है क्या? जबान संभाल के। देखो वसु, अगर ये केस इसने वापस नहीं लिया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब तक तो ये दोनों लवर्स थे ना, क्या है ये सब? लवर्स है तो पब्लिक प्लेस में उसे मारेगा? हाँ मारेगा। पहले इसे केस वापस लेने के लिए बोलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। केस वापस नहीं होगा। तुम जानते हो कि गलती किसकी है, फिर भी उसका सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हें बहुत ईगो है। अरे यार, तू किससे बात कर रहा है? ये इन लोगों की लीडर है, एक लाफा पड़ेगा ना तुरंत मान जाएगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इससे प्यार करने से पहले अपना अवतार कैसा था, तुझे याद है ना? सोने से भरा था। इससे प्यार क्या कर लिया, जेल चला गया वो। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझ पे खर्चा कर। मैं ना ना करती थी, फिर भी अपनी प्रेस्टीज के लिए मेरे चोरी चू बोल के फिजूल में खर्चा किया और अब कर्जे में डूब गया। अरे इसकी बात छोड़, इसकी सुन, इसको देख रहा है ना, इसके प्यार के चक्कर में पड़ के मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं तो आज मैं पक्का कलेक्टर बन गया होता। जब से आई मेरी लाइफ की वाट लग गई है। चुप कर पागल कहीं का, एक एक रुपए करके चिल्लर जमा करता है, कमीशन बाज की तरह चीप मेंटालिटी है तेरी। तेरी बात में फंसकर मैंने अपना दिल दे दिया। तू जैसे लड़की को प्यार करने के लिए मुझे खुद को अपनी चप्पल से मारना चाहिए। तो रोना बंद कर। ए, तुम कितनी भी बार जन्म ले लो, लड़की के दिल की बात समझ ही नहीं सकते। लड़की अगर प्यार करे तो मरते दम तक निभाती है, अगर उसकी जान भी चली जाएगी तो भी वो साथ नहीं छोड़ती। अरे बापरे 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 बापरे। अच्छा हाँ, तुम्हारी फ्रेंड हमारे अवतार से प्यार करती थी ना, उसे जेल में डालकर ये तो यहाँ पर शांति से खड़ी है, तो ये सच्चा प्यार हो गया क्या? सिद्धू तुम हर चीज को रॉन्ग रूट पर ले जाते हो। हेलो, रॉन्ग रूट पर ये नहीं, तुम्हारी फ्रेंड लेके गई है, देखा नहीं कौन से रूट पे लेके गई, सीधा जेल में वो। कोई लड़का किसी लड़की को फॉलो क्यों करता है ये तुम सब अच्छे से जानती हो, ये सही नहीं है, ये जानकर भी तुम उसे नहीं रोकती, ये रॉन्ग नहीं है क्या? एंड आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम लड़कियों की तरह इगोइस्टिक पीपल इस दुनिया में नहीं हो। यू टॉकिंग टू मच सिद्धू, तुम लड़कियों से चीप तरीके से बात करते हो, तुम्हें तो मैनर्स ही नहीं है। अच्छा मैनर्स, बाप रे बाप रे बाप। सुना दोस्तों, फ्रेंड बोलकर किसी भी लड़के को गले लगाना ये तुम्हारा मैनर्स है क्या? इन पागलों से बात करने का कोई फायदा नहीं। हेलो, सेम फीलिंग, हम भी बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट मतलब? बॉयकॉट का मतलब मैं समझाता हूँ, आज तक हम लोग तुम्हारे चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते थे, आज के बाद तुम लड़कियों को हम अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, इसे बॉयकॉट कहते हैं। बॉयकॉट का मतलब ये नहीं है रे, लड़कों से लड़कियां कट हो जाएंगी। चलो यार, इनसे क्या बात करनी है। हेलो हेलो, अरुंधति हियर, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। तुमने किसी अवतार नाम के लड़के को अरेस्ट किया है? वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड का बेटा है, छोटू से। ओके ठीक है सर। लुट गया, सब लुट गया, जो इज्जत मेरी बची थी वो भी उसके चक्कर में चली गई। उनकी क्या इज्जत है जी, एक नंबर के आवारा लड़की हैं। उसके लिए मैंने अपना क्या क्या नहीं लुटाया भाई लोग। कंजूस है वो एक नंबर का, उसका पहना शर्ट पैंट शूज सब मैंने ही खरीद कर दिया है, एक नंबर का लीचड़ है वो, डडी बैगर। सच में अपन के पास लड़की लोग क्यों रहती है जानते हो भाई लोग? नहीं जानते, ताकि हमारा खून चूस सके। एकदम सही, ये हर लड़के से गले मिलती है, इसीलिए इसको चीप नजर से देखते हैं। मैं इसकी जगह होती तो चप्पल से मारती उसको। आ भाई तू बता, मुझे पुलिस के हवाले करें तो मैं डर जाऊं क्या? अरे मैं एक फोन घुमाऊंगा ना तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी मेरे को छुड़ाएगा। मैं अवतार हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक दर्द है दोस्त, पुलिस स्टेशन में मुझे ले जाकर मुझे नंगा करके बिठाया दोस्त। अरे यार हमारी बात तो छोड़ी दो, ये तो सच्चा लवर है ना, इसने उसको कितना प्यार किया, इसने तो उसको कितना हेल्प भी किया था यार, इसकी हेल्प को वो भूल गई ना। सिद्धू भाई, इस जन्म में आपके त्याग को नहीं भूल पाऊंगा। मेरा कहना मानो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच लेंगे। आज से कोई किसी से नहीं मिलेगा, बात भी नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी नहीं। आज से कोई भी बाइक पे नहीं बैठेगा। अरे नाना आ गए। ये क्या रहे, सिगरेट पी रहे, बोतल भी रखी है, सब दारू पी रहे हो क्या? नाना हॉस्टल में अय्याशी, आप देख रहे हो ना ये सब क्या चल रहा है ये सब? नाना हम सब लोग शराब पी रहे हैं। नाना आपने बहुत बार समझाया, लड़की इम्पोर्टेंट नहीं होती, जिंदगी इम्पोर्टेंट होती है। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, उसका धोखा मैं सह नहीं पा रहा हूँ नाना, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। जैसे दिसंबर 31 आती पुराना साल खत्म हो जाता है, उसी तरह हम भी अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देंगे नाना। कल से आप हॉस्टल में जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हम माँ को छोड़ के किसी औरत को फोन नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू के अलावा किसी और काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। बस एक बार माफ कर दीजिए नाना, प्लीज। तुम लोग सब सच कह रहे हो ना? आपकी कसम, आपकी कसम, एकदम सच कह रहे हो नाना। नाना आप किन पागलों की बात सुन रहे हो? दारू पी रहे हैं बैठ के, इनसे बात कर रहे हो? कितनी बड़ी गलती है ये। जो गलती ना करे वो इंसान कैसे हो सकता है? तुम पर उन्हें भले ही भरोसा ना हो लेकिन मुझे। और उस दिन के बाद पूरा इलाका शांत हो गया, लड़के और लड़कियां सब अलग रहने लगे। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा, पिछले साल भी आया था, इसे प्रिपेयर करना चाहिए। सही बोल रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, लड़कियों की सारी फोटो कहाँ चली गई? साहब सुधर गए, ये कलेक्टर इंजीनियर बनने की निशानी है। आज इस आंटी के दिल से आशीर्वाद कर रहे हैं। अबे देख के चला। अवतार अवतार, कॉफी या चाय कुछ लाऊं? डोंट डिस्टर्ब आंटी, आई एम स्टडिंग वेरी सीरियसली। चलो जाओ। अरे भुक देना। ए हटना, मुझे भी लगा रही है। तू शकीला का फोटो लगा रही है? एक टाइम पे लड़कों को ये अपनी उंगलियों पे नचाती थी, मैं इसकी फैन हूँ। क्या बात है। मैडम राइस खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई है, ऑयल भी नहीं है। ये क्या, एक हफ्ते पहले ही तो 20 किलो भरवाया था। लड़कियाँ 3 वक्त का खाना खाने लगी है हॉस्टल में। बॉयफ्रेंड के साथ ही अच्छा था, उनके साथ घूमती थी और 3 टाइम का खाती थी, और अब देखो दिन भर यही पड़ी रहती है और बैठ बैठ के हॉस्टल का खा रही है। कैसे चलेगा अम्मा, अब इनके लिए कहाँ से खाना मंगाऊं? इली आंटी पानी खत्म हो गया। हाँ, लेके आती हूँ, पूरा टैंकर ही मंगा रही हूँ। ये सब तो मेरी जान ले लेंगे। चलो आपके पास जो है वही पकाओ। अरे बाप रे, अरे यार मुर्दों को देख सकते हैं लेकिन कहीं जाते वक्त कुछ लड़कियों को कभी नहीं देख सकते। ये दोनों सामने आ गई, अपना काम खराब हो जाएगा। मुर्दों की जैसी शक्ल है तुम्हारी और बिल्ली की तरह रास्ता काट दिया हमारा। अरे इनसे क्या बात करना, चलो। कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो मैं दिखा दूंगी। भाई जल्दी से फेसबुक ओपन कर दो, उसमें से माही का फोटो निकाल, ओलेक्स पे पोस्ट करके उसका एक एक पार्ट मैं बेच दूंगा। हाँ करता हूँ, चुप कर। इस पर मेरी फोटो कहाँ से आई यार? अरे ये लोग हमसे भी एडवांस है यार। अवतार सिंह को सेल पर लगा दिया है, तुझे भाड़े पे भी लगा दिया है, होलसेल में भी है, रिटेल में भी है, अब तू तो गया काम से भाई। इधर देख, कुत्ते के साथ तेरा फोटो रखा है भाई, कुत्तों की कैटेगरी में तेरा फोटो रखा है। मेरे प्लान को, मेरे प्लान करने से पहले इसने प्लान कर लिया भाई। अरे यार तू तो सिर्फ KFC में खाती, यहाँ क्या खा रही है? उनके साथ घूमे तो KFC चिकन बर्गर, पर अभी तो इसे ही KFC और सब समझकर खा लो बस। ए तेरा फंक्शन कैसा रहा? फंक्शन तो बहुत अच्छा बीत गया, लेकिन बस में ना बहुत इरिटेट फील हुआ। साड़ी पहन के गई थी ना यार, पूरी गीली हो गई। उन लोगों ने लग्जरी की आदत लगा दी है ना। ए इतना एक्सपोजर क्यों कर रही है? अच्छा बिकनी पहन के थाइस दिखाती, वो एक्सपोज नहीं होता। मैंने थोड़ी सी साड़ी उठा ली, बोलती एक्सपोज करती है। अच्छा ठीक है, बैठ जा, गर्मी बहुत लग रही है। बटर स्कॉच कितने का है? 60 रुपए का। अरे बाप रे, और वेनिला 50 का। इतना महंगा, इससे पहले इतना महंगा कभी खरीदा है क्या? ये यहाँ भी आ गई, मुझे नहीं इसे बेच दे। आइडिया। हाय। हाय सिद्धू। व्हाट अ सरप्राइज। ये क्या, तुम तो आजकल बहुत फ्रेश लग रही हो। क्या बोल रहे हो, बाहर चली गई थी ना तो प्रैक्टिकल मिस हो गया मेरा। ओह ऐसा क्या, गिव मी अ हग। ये क्या सिद्धू, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो तुम आज? कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है बेबी, हमें खुद को खुश रखना चाहिए। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो चॉकलेट, आई लव चॉकलेट। तुम्हारे लिए, तुम जानती हो मुझे चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, तुम तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। वाओ आई लव यू बेबी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हो तुम, मैं बहुत पसंद करता हूं। इसके लिए भी कोई हग करता है क्या? अगर कोई मेरी छोटी सी हेल्प करता है ना तो मैं इसी तरह उसे थैंक्स कहता हूँ, ये मेरी स्टाइल है। क्यों जा रही हो क्या? तुम अब जा रही हो? ओके हाँ चलो।
मधुरा नगर, मेरी जन्मभूमि में आकर बहुत दिन हो गए। बहुत टेस्टी है मेरी जन्मभूमि मधुरा नगर। कोई नहीं है? अरे कहाँ गए सब? क्या हुआ, क्या हुआ मेरे देश को? मैं जब यहाँ से गया था तो मधुरा नगर की जनता बहुत खुश थी, लड़की लड़की आपस में खेलते थे। क्या हुआ, कहाँ गए सब? वो सारी लड़कियाँ कहाँ चली गई? यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है। अरे आखिर हुआ क्या है? चल छैया 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 चल छैया। क्या बात है लड़कियाँ? अरे वाह, तुम लोग सदस्य कहाँ जा रही हो? क्यों, तुझे कुछ पता नहीं है क्या? 3 साल पहले मैं यहाँ से चला गया था, अभी दोबारा एंट्री हुई है। 3 तारीख को यहाँ पे नहीं था क्या? नहीं तो क्यों? इसे पता नहीं, चलो हम लोग इसे दे देते। इन सब लड़कियों ने मुझे तबले की तरह क्यों बजा दिया यार? चीची लगता है बैड टाइम चल रहा है। अरे गिरी। अरे अंकल अभी तक आप जिंदा हैं, बहुत अच्छा लगा। तुझसे उधारी लिए बगैर चले जाऊं? अभी तक भूला नहीं क्या? उधार लिए हुए आदमी को कोई भूलता है? अंकल आखिर 3 तारीख को हुआ क्या था ये? उस दिन 3 तारीख को जो हुआ धरती पे आज तक नहीं हुआ था। ये घटना तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके लिए दोनों अलग हो गए। चीची फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लड़की इसके साथ कैसे है? ये एरिया में नए नए। रुक जाओ मैं बात करके आता हूँ। भाई 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 तुम इससे प्यार करते हो? हाँ भाई इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा ये प्यार किस टाइप का है भाई? टाइप ये क्या होता है? किस तरह की लड़कियाँ होती हैं प्यार भी वैसे होता है। ऐसा क्या? आप कौन हो? सीनियर हूँ। 3 साल पहले मैं भी लड़कियों के पीछे ऐसे ही घूमा करता था, लेकिन मुझसे सच्चा प्यार करने वाली कोई नहीं मिली, इसलिए मैंने तंग आकर एक बहुत अच्छा ऐप बनाया, वो है चेक द लव। चेक द लव? या मतलब तेरी लवर के दिल में क्या है वो ये ऐप बताएगा। या इन दोनों पर टेस्ट कर तब तो पता चलेगा। देखेगा तुम्हारा नाम क्या है? दीपिका। और तुम्हारा? सुरेश। अभी दीपिका के दिल में सुरेश है या नहीं ये देखते हैं। अच्छा दीपिका सुरेश, अभी दीपिका के दिल में सुरेश है कि नहीं देखते हैं। ये लव सिंबल है? लव सिंबल नहीं है बे, ये लड़की का दिल है। ये क्या, इतनी सारी फोटो है इसके अंदर? इतनी सारी फोटो? इसमें मैं कहा हूँ? तू टेंशन मत ले, मुझे ढूंढता हूँ। अबे तो बिल्ली है। बिल्ली नहीं है बे, बिल्ला। तेरे पास जब तक पैसा है म्याऊं म्याऊं कर रही है, और जैसे पैसा खत्म होगा भौं भौं करके काटेगी। कितनी बड़ी झूठी है, मेरे इमोशन से खेल रही है। छी, मैंने तुम पे भरोसा किया, दोबारा मिल बताती हूं। चल तेरी तो। बड़े भाई तुम 2 महीने पहले मिले होते तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भरी होती। गुरुजी आपने मेरी जिंदगी बचा ली। बच्चों लव में फेल हुए अज्ञान लोगों की जान बचाने ही मैं आया हूँ। ये अपना स्टाइल है। लड़कियाँ 4 तरह की होती हैं, ये प्यार भी 4 तरह का होता है। मतलब प्यार के दोस्त के खातिर बनाया ताज कहलाया।
मुमताज कहाँ से लाओगे ये तो बताओ भाई। ना ना हॉस्टल की स्टूडेंट से पंगा लिया, एक सीनियर स्टूडेंट होने के नाते मैं बोल रहा हूँ। नाना कैसे हैं? नाना कैसे होंगे यार, नाना तो मस्त है। सुपर। अभी ज्यादा नाटक मत कर, क्या करना है बता दे। सोच रहा हूँ ब्रदर। सोच कर क्या मिलेगा भाई, दो महीने से तो हम लोग सोच ही रहे हैं। मुझे मेरा गोल्ड भी नहीं मिला और मुझे जॉब भी नहीं मिली, यहाँ तक कि गोल्ड का बॉक्स खरीदने का भी पैसा खत्म हो गया। बाल उड़ जाए तो बिक के बारे में सोचना चाहिए, वो बाल वापस थोड़ा आने वाले हैं। ये सारी लड़कियां मिलकर हम सब लड़कों को पाकर बनाकर बाहर भगाना चाहती हैं। इन सबका अहंकार खत्म करके इनको सबक सिखाना चाहिए। हम इनका अहंकार चूर चूर कर देंगे। जब भी कोई आदमी देखे इनका पसीना छूट जाना चाहिए, शर्म से पानी पानी हो जानी चाहिए। अरे भाई पूरी फिल्म मत दिखा, शॉर्ट फिल्म की तरह बात किया कर। सोच हम लोगों को देखकर लड़कियां यहाँ वहाँ रात में डरकर भागेंगी तो एक दूसरे को धक्का देंगी, गिरेंगी पड़ेंगी, सोच कैसा माहौल होगा। हम लोगों को देखकर लड़कियां बचाओ बचाओ बोलकर भागनी चाहिए, गिरते पड़ते पूरा हॉस्टल सर पे उठा लेंगी, सोच कैसा माहौल होगा। भैया सोचने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ तुझे सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, लाइव में तुझे दिखाता हूँ। चल स्टार्ट करो ऑपरेशन। क्या यार, रोमांटिक फिल्म देखने के टाइम पे तुम लोग बैठकर ऐसी फिल्म को देख रहे हो? नो रोमांस, ओनली हॉरर। थैंक यू। इंग्लिश फिल्म है ना? यकीन करो मैंने उसको सच में देखा है। अच्छा कहाँ है? चल मुझे दिखा। चला नहीं। अरे चल ना, मुझे नहीं चलना। डरती क्यों है तू? चल ना मेरे साथ, मैं हूँ ना। नहीं फिल्म देखने में परेशान कर दिया तूने, चल दिखा मुझे भूत का। मुझे डर लग रहा है। अरे चल तो। अरे भूत है यार। अरे डर क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पका रही है यार? लाइट कैसे चली गई? चल चल दिखा अपना भूत, कहाँ है तेरा भूत? रम्मा हो, देख के पड़ गई ना भाई, मुझे कोई पहचाना नहीं चाहिए भाई। अरे भागो भागो। क्या हो गया तुम लोग को? कभी लाइट नहीं गई क्या? चुप हो जाओ चुप हो जाओ, एक एक करके बात करो। हॉस्टल में भूत आ गया है। भूत आ गया है? मेकअप नहीं करोगी तो किसी भूत से कम लगोगी क्या? तुम लोगों में से कोई भूत होगा? चलो चलो अपने अपने कमरों में जाओ। चलो जब तक मैं अपनी आंखों से भूत नहीं देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगी। अच्छी लग रही है। लड़कियां दिखाई नहीं दे रही हैं, सब गायब हो गई, अपना आना वेस्ट हो गया क्या? इस हॉस्टल में छिपी लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना होगा, ये मेरा आदेश है। चलो नहीं हो रहा है।
अरे यार मैं तो थक गया ढूंढ ढूंढ के, मुझे एक सिगरेट पीनी पड़ेगी, यहाँ बैठ के सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट निकालता हूँ। यहाँ अकेली है, इसको छेड़ता हूँ। अभी हॉरर रोमांस शुरू होने वाला है। ये क्या, तेरी सारी सहेलियाँ भाग गई हैं और सच सच के तू यहाँ अकेली बैठी है? भाग कलेजा है, तू मेरे लिए बैठी है क्या? ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? पीछे से तो अच्छी लग रही है, आगे से डराएगी क्या? क्यों, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं और मर्दों की तरह नहीं हूँ, जरा घूम के दिखा। ए, बस कर बस कर बस कर, ये भूत वाला नाटक मैंने बहुत देखा है। तेरा यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तेरे अंदर भूत है कि नहीं वो चेक करने के लिए तेरा टेस्ट करना पड़ेगा। मैं टेस्ट करूंगा, तेरे अंदर भूत है कि नहीं वो प्रूफ हो जाएगा। देखा ना, खून है, तू भूत नहीं तो मेरा खून पी, क्या सोच रही है? चल पी पी। अरे छोड़ दे दीदी, क्यों जूस की तरह पी रही है? अरे छोड़ दे, माफ कर दे, खून पिला रहा था ना, माफ कर दे, तू पिला मुझे, पिला। तू एक काम कर, मुझे 5 मिनट दे, एक मोटा ताजा लड़का अंदर भेजता हूँ, उसका जितना खून पीना पी लेना। मुझसे झूठ बोल रहा है? छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, विश्वास कर, मैं अभी लड़का भेजता हूँ, जल्दी जा, तू बस इंतजार करना, मैं अभी भेजता हूँ। दीदी तू बस चुपचाप रहना, चुप चुप। अविता भाई, come inside, come in. Shakalaka baby, shakalaka baby, humse kar lo pyar. ये क्या बड़े भाई, अकेले मजा ले रहे थे आप? अकेले रोमांस करना अच्छा लगता है क्या? हमें भी रोमांस करना है, मुझे भी हीरोइन चाहिए भाई। तू मेरा दोस्त है, एकदम सही समझ रहा है, तुझे हीरोइन चाहिए ना? रुक मैं तुझे देता हूँ, वो देख बहुत सुंदर है, तू आराम से हैंडल करना, ओके? शकलक बेबी, शकलक बेबी, हमसे कर लो प्यार। जल्दी से एक चुम्मी दे दो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? मेरे लिए ही ना, अब मत सोचो, देखो मैं आ गया हूँ। के पास भेज दिया। अरे मेरी भी यही हालत है, बाहर जो दो लोग है ना उनको अंदर भेजते हैं। क्या बोलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी दो मिनट, मैं उनको अंदर भेजता हूँ। नमस्ते। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? हमने तेरे लिए ना लड़की, बेडशीट, सब कुछ रेडी रखा है, चल तू रेस के घोड़े की तरह तैयार हो जा, सोच क्या रहा है, जा। हाँ हो जाता हूँ। आया मजा। अरे जल्दी आओ, तुम्हारे जीजा को चुम्मा बहुत पसंद है, तुम लोगों को चुम्मा नहीं चाहिए? ए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। मना कर रहे हो? जान से मार दूंगी। क्या बोल रही हो दीदी, ये बात तो कानून के हिसाब से भी गलत है दीदी, हमें कानून की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं लॉ का स्टूडेंट था दीदी। क्या कह रहे हो जीजा, ये सही कह रहा है क्या? भाई आपको जीजा बोल रही है? हाँ यार, ये हम सब की साली है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, एक बार छोड़ दो, जिंदगी भर पढ़ कर नहीं देखूंगा, अपने गाँव चला जाऊंगा। क्यों रे, मेरे हॉस्टल में आपके लड़कियों को डराता है? अरे यार अपना सीनियर कहाँ है? कब का भाग गया, डरपोक कहेगा? कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को तुम लोग? वो नाना फ्रेंड्स पार्टी थी तो थोड़ा थोड़ा पी लिया बस। चुप। रात को लड़कियों के हॉस्टल में जाकर उन्हें भूत बनकर डराया और यहाँ मुझसे झूठ बोल रहे हो? रुको नाना, छोड़ो मुझे।
अगर उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया तो ये लोग जेल चले जाएंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो मुझसे। ये क्या, तुम हमारे बाप हो क्या जो मार रहे हो हमें? ये सिद्धु कैसी बात कर रहे हैं? सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है यार, ये बहुत भाव खाता है, हर बात पे मरता है। मेरे बाप ने भी आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया था और आपने मुझे आज मारा। सिद्धू तू अपने होश में नहीं है, तू बीच में टांग मत अड़ा, चल बीच में आया तो मर्डर कर दूंगा तेरा मैं। नाना जो भी बोले तुम्हारी भलाई के लिए बोले। बहुत भलाई करने वाले देखे मैंने, दूध छोड़ोगे मुझे 15 साल हो गए। ये लोग हमसे एडवांस लिए क्या हर बात पे? ना 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 सुनो, 3,000 रुपया फेंको तो 3,000 हॉस्टल मिल जाएंगे, आइए बोलकर रेड कार्पेट हमारे सामने बिछा देंगे, जानते हो? तुम लोग मेरे हॉस्टल में नहीं चाहिए, निकल जाओ। हम लोग जाकर रोड पे सो लेंगे, हमको कोई परवाह नहीं। ए, इनसे क्या बात कर रहा है, चल बैग पैक कर। अच्छा हुआ कल से इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। चल हम लोग यहाँ पड़े हैं। ए चल उठ रहे। ए क्यों, तेरे लिए कल शूज मंगाया था, वो तेरे पैर में फिट आ रहा है ना, साइज तो बराबर है ना बिल्कुल? अरे नाना वो तो मैं नापना ही भूल गया। नाना 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 जा एक बार पैर में डालकर देख तो ले। ठीक है नाना। छोटा हो तो बता देना। हाँ वो भूल गया था, लॉन्ड्री का बिल 3,000 रुपये आया था। बाबू तुम्हारे एडवांस से सब कुछ सेटल कर दिया है, अब तो क्या है कि 2,000 मेरे निकलते हैं, वैसे कोई अर्जेंट नहीं है, जब तुम्हारे पास आए तो दे देना। मेरे पास कोई और इनकम नहीं है तो तुम जानते हो। नाना वेरी सॉरी नाना, हमें माफ़ कीजिए। छोड़ो ये सब बातें, सॉरी क्यों बोल रहे हो? दारू के नशे में हमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया नाना। माफ छोड़ो सब नाना। बातें छोड़ दो, जो हुआ भूल जाओ। तुमने सही तो कहा, मैंने तुम्हें रेंट पर ही तो रखा है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्यों घुसता हूँ मैं तुम्हारे कौन लगता हूँ? सही तो है नाना, माफ कर दे। क्यों इमोशनल हो रहा है, है? लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। नाना हॉस्टल मैंने क्यों डाला है पता है? पांच साल पहले तक तुम लोगों की उम्र का मेरा एक बेटा था, तुम लोगों की तरह वो भी यहां पढ़ने आया था। जब तक उसका फोन नहीं आता था तो पूरा घर खाना नहीं खाता था। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पिताजी मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, ऐसा उसका फोन आएगा, और हम इंतजार करते रह गए। फोन आया, हॉस्पिटल से फोन आया, पीकर के बाइक ड्राइव कर रहा था, डिवाइडर से भिड़ गया और डेथ हो गई। मेरे साथ रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैं पूछता हूं, आखिर मैंने ऐसे क्या गलती की थी? उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ किसी के साथ ना हो, जो दर्द मैं झेल रहा हूं कोई पिता ना झेले, इसलिए यह हॉस्टल मैंने बनाया। पेपर में कोई इंटरव्यू है क्या? देख तो जॉब के लिए। हाँ लास्ट टाइम में तो क्या था ना? देख जॉब क्लासिफाइड में ऐड है, इसे एक बार देखना चाहिए। ये वाला मिल गई।
पानी ठीक से डालना, इस पे डाल। नाना जॉब मिल गई ना, मिठाई खाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ नाना, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है। तूने गोल अचीव किया और मुझे स्वीट खिला रहा, अच्छा लगा, लेकिन तूने रिज्यूम कब भेजा और कैसे भेजा? किसने इंस्पायर किया? अरे यार शेर, तुम्हें कुछ नहीं आता है। जॉब करने के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें कुछ नहीं पता, सब मुझे करना पड़ेगा। देखो यहाँ 3 कंपनी से वैकेंसीज है, मैं अप्लाई करती हूँ, तुम बस वेट करो। सब याद आ रहा है ना? तू सब लोगों के साथ अपनी खुशी बांट रहा है, लेकिन एक बार उससे भी तो बात कर लेनी चाहिए ना। क्यों? मर्द का ईगो हर्ट हो जाएगा। नहीं, जब तू सफल होगा तो कुछ लोग तेरे साथ होंगे जो तुझे प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है? लेकिन तू सफल होगा ये विश्वास करने वाला सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक। प्रोत्साहित करने वाला पीछे रहता है और दूसरा तुझ पे विश्वास करने वाला हमेशा तेरे साथ रहता है। कुछ भी हो जाए वो तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए। तुझ पर विश्वास किसने किया? क्या इतना सोच रहा है तू? उस लड़की ने ना, वही तेरी जिंदगी है। उसे फोन कर, तुरंत उसे फोन कर। उसने जरूर कुछ प्लान किया है, अगर कुछ किया ना तो हाथ पर तोड़ देंगे उसके। आने दो उसको, सबक सिखाएंगे उसे। बिल्कुल, वो देखो वो आ गया। चल चल पेड़ के पीछे, चल 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 चलो आना ना पीछे। I'm sorry करुणा, क्या कर रही है? I'm really sorry। क्या कर रहा होगा? मुझे जॉब मिल गया है करुणा। अरे ये तो सुधर गया, पहले खड़ी हो जाओ। मुझे विप्रो में जॉब मिल गया करुणा। Congrats! Thank you। अगर ये खुशी मैं तुमसे शेयर नहीं कर पाता तो इस जॉब का कोई मतलब ही नहीं था। खुश तो होना। तुम लोग वापस दोस्त बन गए? हाँ तो पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। ओके ओके ओके, हम फ्रेंड्स हैं। मैं तुम सबको पार्टी दूंगा, यही तुम सब चाहती हो ना? कितनी बार कहा कि गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो ना। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड करने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे बोलो ना। कोई बात नहीं, कोई दिख तो नहीं रहा है, बैठ से खुद को ही मार लेता हूँ। अब तो माफ कर, प्लीज माफ कर दो। नहीं मैं नहीं दूंगा, अब तो मारूंगी। सोच रहा हूँ मैं मारूंगी? मैं नहीं मारूंगी, आई एम जस्ट किडिंग। अब हम दोनों दोस्त हैं। यार दोस्त हैं, अब बहुत सुना है। लड़कियों से बात भी नहीं करेगा ऐसे बोला था, और अब इसके सताइस क्यों कहा? हॉस्टल में आ, तुझे पता था। क्यों भाई, सब लोग बहुत ही अच्छे मूड में हो। हाँ है ना भाई, इस बैग में क्या है? दीवार पर बेल्ट क्यों टांगा है? ए, ए, दीवार पर बेल्ट क्यों टांगा है? हटाना चाहिए ना। वो तो पहले से उधर ही टांगा था। वो वहीं पर रहने दे, तू इधर आ। आना है यार। मैं नहीं आऊंगा। वो बीन बैग भी लाना। अरे आना, बैठ ना। अरे बैठ जा। क्या हुआ भाई? बैठ बैठ भाई, हुआ क्या? बैठ बोल रहा हूँ ना। क्यों बे अवतार, लड़कियों के लिए बहुत ही फीलिंग जाग रही है तेरी। पॉजिटिव वाली की नेगेटिव वाली भाई? रियल में लड़कियां थोड़ा तंग करती हैं, मगर फीलिंग अच्छी देती हैं भाई। हाँ, तो इस बेल्ट के बारे में क्या फीलिंग है तेरी? बेल्ट? I don't know, no. बैठ बैठ जा, बैठ बोल रहा हूँ ना। अबे बैठ भाई, भाई। ये बता, वो झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे से। करेक्ट, लेकिन बीच में बेचारा फंसा कौन? तुम, मैं। अब तो बेल्ट का यूज करना सही रहेगा ना? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की? तुम लोग लड़कियों के साथ घूमकर आइसक्रीम खाते हो, और बेवकूफ मैं बताऊं, आज तो ये बेल्ट टूट कर ही रहेगा। अरे इस बेल्ट से तेरी चमड़ी उठ जाएगी। ये हॉस्टल है या मच्छी मार्केट है? तू लड़ रहा है, तू लड़ रहा है, आंटी तू भी लड़ रहा है, तू भी लड़ रहा है, बेल से मार रहा है। अबे तू है क्या, पढ़ने आया या गुंडागर्दी करने आया है? अभी फोन तेरे बाप को। मुझको तूने मारा, आंटी को मारा, अभी फोन करेगा तू? इधर ला। ये फोन तो बिल्कुल खाली है, बैटरी कहाँ है बे? बैटरी डालना भूल गया। सिम किधर है बे? सिम तो मुझे मिला ही नहीं कभी। तो अब तक बिना बैटरी सिम तो हमें बेवकूफ बना रहा था। सिद्धू तू तो बहुत समझदार है, तुम अपना खेल खेलो ना, मैं जा रहा हूँ, इसको छोड़ना मत, बाय। अबे किधर जा रहा है?
नाम क्या है तेरा? आंटी, आंटी। मॉर्निंग में उठते क्या देना चाहिए? कॉफी। हम झगड़ा करें तो? चले जाना चाहिए। नाइट में लेट आए तो? क्या भरना पड़ता है? और अभी क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। क्यों नहीं गया बे? दबा रखा है। तबे उठना। चलेगा? अरे भाई सॉरी यार, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ये झगड़ा भूलकर तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओ। ए, तो अपना इतना मन उदास क्यों कर रहा है? मेरी बात मान, उसे जाकर सॉरी बोल दे। एक सॉरी से तेरा सारा काम बच जाएगा और वो लड़की भी समझदार है। अरे यार मैं भी उसे मिलना चाहता हूँ, मेरा भी तो दिल करता है उसे बात करने का, लेकिन सबसे पहले मैं उसे सॉरी बोलूंगा। ओके ओके, थ्रो टू मी यार। क्या है ये सब? उन्होंने दिया। प्लीज 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 प्लीज। वसु। अरे ये देखो, ये सिद्धू मुझे बहुत सता रहा है। इट्स टू मच। क्या हुआ यार? सॉरी सॉरी का मैसेज भेज के मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। इतना टॉर्चर कर दिया है, क्या बताऊं? हाँ, सच में। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? सॉरी मैडम, प्लीज मैडम। मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, देर रात मुझे मैसेजेस क्यों भेजते रहते हो? तुम चाहते क्या हो? ए वसु, क्या बात कर रही है? ये वेटर तुझे क्यों मैसेज करेगा? सिद्धू मुझे पागल कर देगा। क्या हो गया तुझे? कल से उसने सॉरी सॉरी का रट लगाया, तब से रुका ही नहीं है। भरोसा नहीं है? ये देखो मैं उसका मैसेज दिखाती हूँ। डिलीट कर दिया मैंने। तेरे दिल में अभी भी उसके लिए पॉजिटिव कॉर्नर है, इसीलिए तू हमेशा उसके बारे में सोचती है। तू जो बोल रही है उस पर हम कभी भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। दीदी, अंकल ने बस हैंडी कार्ड भेजा है। अंकल ने तुम्हारे हाथ से कार्ड भेजा है? कहाँ है वो? वहाँ पर। देखा ना, जो मैंने कहा था उसने इस बुक में भी सॉरी सॉरी लिखकर पूरा पेज भर दिया होगा। पढ़ के सुनाओ तो। वसु, ओ राक्षसी, तुम्हारा मुंह एकदम लोटे के जैसा है। तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो बिजली का खंभा लगती हो, और तुम हंसती हो तो बहुत डर लगता है। आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राक्षसी जैसा दिखता है तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने गलती की तो मुझे सॉरी बोलना है, लेकिन तुम मुझे एक मौका तक नहीं दे रही हो। कम से कम लड़ने के बहाने तुमसे बात करूंगा तो इसलिए चांस मिस नहीं करना चाहता था। हे, एक बार हंस तो ना। ना मत करना, हंसो ना प्लीज प्लीज। रुक जाओ। हे वसु, वसु नहीं वसु। Give me your heart, oh my heart, you know I'll leave you, stand by you, let it
अबे चाय तो ले। क्या हो गया? अबे तुझे क्या मालूम मुझे कितनी टेंशन है, सिर्फ मुझे मेरा दर्द पता है। इतना टेंशन क्यों ले रहा है? एक घंटा ट्रेवल करने से मेरी कमर पकड़ लेती है। वो तो पकड़ेगी ही, उम्र हो रही है ना। बोटिंग हुए अपने बारे में बात कर रहा है क्या? ए, पता करो अवतार कहाँ बैठा है, चलो जल्दी देखो भाई। हाँ वो देखो वहाँ बैठा है। हाँ भाई चल रहा है क्या, पब में या क्लब में? ए, तुझे क्या हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं? भाई आप हो, हालचाल सब ठीक है ना भाई? बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। इतने लोगों को क्यों लेकर आए हो? तेरे साथ ग्रुप फोटो लेने के लिए आए हैं। ग्रुप फोटो? हाँ। एक मिनट रुको, मुंह धो करके आता हूँ भाई। चल नहीं तो तेरा ऑयल पलटी यहीं कर दूंगा। भाई ने तुझे लाने को बोला भाई। ए, खा ले जा उसको। हाँ छोड़। अरे अरे भाई भाई, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं भाई। फ्रेंड्स हैं? हाँ। ए, क्या रे, ये चाकू देख रहे हो ना, इधर ही घुसा दूंगा। ए, तू उसे खा ले जा रहा है, क्या करना चाहता है तू? चुप कर। चल बताता हूँ, इसको ले जाएंगे, किडनी निकालेंगे और वापस लाके यहीं छोड़ देंगे। बड़े भाई तू बजा मुझे, ये लोग मेरी किडनी निकालना चाहते हैं। अरे ये तो ये भाई यार घूर रहा मेरे को। कौन हो बे तुम लोग? क्या इन लोगों का टीम लीडर है? तू इसको बचाएगा? गोगरी का महेश बाबू है, गब्बर सिंह का पवन कल्याण है। भाई इससे मत उलझो, चुपचाप निकल लेते हैं। एक बार इससे मेरा सामना हो चुका है, बहुत मारा इसने। ए डरपोक कहीं का, चल जा। क्या रे, क्लीन शेव कर लिया, टी शर्ट के ऊपर चश्मा लटका लिया, तो अपने आप को हीरो समझता है? मेरे पास भी चश्मा है, टी शर्ट है, मैं भी हीरो हूँ, लेकिन मैं तेरी तरह फिल्मी हीरो नहीं हूँ। ये देख, ऐसे ऐसे घुसा दूंगा, काट पीट के रख दूंगा। क्या बोलते हो? मुझको मारता, तूने मुझको मारा। शांति से बात करेगा तो मैं सेटल कर सकता हूँ, लेकिन गुंडागर्दी दिखाएगा ना तो वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल बोल, मार खाएगा कि चला जाएगा? मार खाने से क्या फायदा, जाता हूँ भाई। चलो रे। अरे चलना, बेइज्जती करवाते हैं। सेकंड हैंड कॉलेज में आए हैं तो हम लोगों को चंगू मंगू समझ रहा है क्या? अगली बार पॉश गाड़ी में आऊंगा तो तेरे को बताऊंगा। थैंक्स भाई, तूने मेरी किडनी बचा ली। उधार तो चुका दिया था, लेकिन ये वापस क्यों आया था? अब क्या बताऊँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता ही जा रहा है, इंटरेस्ट के पैसे नहीं उतर पाए और ये मेरी किडनी निकालने चले आए। तेरी तो पागल कितना है बता, एक साथ क्लियर कर दूंगा। आगे से उस पागल से पैसा मत लेना, समझा? चल तू भी। मम्मी? हेलो मम्मी। वसु तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, एग्जाम खत्म होते ही तुम यहाँ चले आना, तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है। ओके। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन तुम्हारा कॉल आ गया। वेरी नाइस, बोलो ना क्या बात है। सिद्धू मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? नहीं फोन पे नहीं, कल कॉफी शॉप में मिलना, वहीं मिलके बात करेंगे। तुम आओगे ना? या श्योर, मिलूंगा ना। ओके। हाय। हाय। संभल के। चल बैठ। बसो। ए गाड़ी निकाल, गाड़ी का बचाओ। ए रुक जाओ। ए बसो। तेरे बाल तो बहुत ही सॉफ्ट है, कौन सा शैम्पू लगाती है, डव या डाबर वाटिका? भाई बहुत मस्त है। अभी तो इसकी उम्र है, इन सब के बीच में बैठने से तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना? होगी। मेरे लड़के अपने पैसे वसूल करने के लिए गए और तेरे आशिक ने बीच में टांग अड़ाई तो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। सुन बेबी, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तेरे लवर से मुझे लेना देना है। मैंने उसके फ्रेंड को उधार दिया था और जब मेरे लड़के वसूली करने के लिए गए तो वहां आकर उसने उसमें टांग अड़ा दी। अब उसे समझ में आएगा कि हम तुझे क्यों उठा कर लाए। ए डॉक्टर, नया पेशेंट आया है, अपना कस्टमर है, इसकी किडनी क्या बॉडी का हर पार्ट बेच देंगे। Hey!
चल जा। अरे नहीं मैं नहीं जाता। ए तू जा। ए पागल है क्या? मैं ही जाता हूँ। अब देखना भाई। से बात करूंगा। ये अब बिल्कुल नहीं हो सकता सिद्धू, क्योंकि ना मेरे परिवार की नजर में ये शादी मेरी पसंद से हो रही है, और अगर मैं अपने प्यार के बारे में बताऊंगी तो मेरे पिताजी पर पूरा गांव उंगली उठाएगा, वो ये बात नहीं सह पाएंगे सिद्धू। मेरे लिए मेरे पिताजी की इज्जत मुझसे भी ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए तुम जरूरी हो, पर उससे भी ज्यादा मेरे पिताजी, और मैं उन्हीं की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज कुछ तो करो। ट्रस्ट मी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही होगा। नो नो नो, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया यार, दिस इज अमलापुरम, स्मॉल विलेज। पत्ते पे खाना खाते हैं, प्लेट में नाश्ता करते हैं, ऐसे लोग हैं यार। कितना लूटेगा बे? कम से कम 1 करोड़। 50 लाख शादी से पहले लिया, 50 लाख शादी के बाद लूंगा। तुमको पता नहीं चलेगा क्या? कैसे पता चलेगा बे? टिश्यू पेपर मांगा तो टब ला के दे दिया, उसे पता ही नहीं टिश्यू क्या होता है। ये लोग कोल्ड ड्रिंक मांगे, मैंने फ्रूट सलाद सबको खिला दिया। इतने गवार लोग हैं विलेजर्स। ए फोन रख मैन। हे मैन, व्हाट इज दिस? कम ऑन ग्रो अप डूड, शादी में कैसे आते, इतना कॉमन सेंस नहीं क्या तुम लोग को? यू मोरंस। हे लेट मी टेल यू, जल्दी में शर्ट पहन लिया है, रुद्राक्ष का माला डाल लिया है, गंदी धोती पहन लिया है, कंधे पे गमछा रख लिया है, भगवान राम के रूप में, सच बोल रहा हूँ, विलन लग रहा है। लव यू बेबी। हे भगवान, ये बहुत बोल रहा है, ये मोटा गेंडा है कौन बेटा?
गेंडा नहीं सर, मेरा नाम बाजी है, वेडिंग प्लानर। ऐसा पिताजी, ये फिल्म वालों की शादी कराता है, टीवी में इसको देखा था इसलिए बुला लिया। मंडप के तोरण से लेकर दुल्हन की मंगलसूत्र की सारी जिम्मेदारी टोटली आई मैनेज सर, आई एम द टोटल कंट्रोलर सर। ये देख, तू वेडिंग प्लानर है या किटी प्लानर है मैं नहीं जानता, पल्ली टूर वाले मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, खाने में मसाला कम हुआ तो सह लूंगा, अगर किसी मेहमान के साथ बदतमीजी करी ना तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ठीक है सर। ए, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, एक्स्ट्रा मत कर, चल रहे। बड़ों की बात तो माननी चाहिए ना बेटा, अपनी शक्ल देख, चेहरे पे जरा भी रौनक नहीं है। ये क्या मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? आप ही देखिए ना, ये मेरी बात मानती ही नहीं है। ये मेरी बेटी है, तुम कहती थी कि बाहर पड़ेगी तो हाथ से निकल जाएगी। ए वसु, तेरी माँ डरती थी कि तू बाहर पढ़ने जाएगी तो शायद हमारी बात नहीं मानेगी, एकदम पागल है। तू मेरी बेटी है, तू मेरा हाथ पकड़ के बड़ी हुई है, मेरी बेटी वही करेगी जो मैं कहूँगा। और एक बात, मैं शादी से बहुत खुश हूँ, तू भी बहुत खुश रहेगी बेटा। क्यों बेटी, शादी के बाद हमें छोड़ के चली जाएगी ऐसा डर लग रहा है? कोई डरने की बात नहीं, तुम्हारे होने वाले ससुर ने क्या कहा जानती हो? वो कह रहे थे अगर वासु कहेगी तो मेरा बेटा उसके नाम का मंगलसूत्र पहन लेगा। कहा था ना, ये शादी करवाने के लिए कुछ भी मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तू चुप कर। इसलिए शादी करने में कोई भी आनाकानी की ना तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। एक बात तुम लोग भी सुन लो, साड़ी सही नहीं है, फूल सही नहीं, सब बोल के तंग मत करना, चमड़ी उधेड़ दूंगा। अगर ये शादी हो गई तो मैं अपने MLA के नॉमिनेशन के बाद मैं समधी जी से अपने लिए सपोर्ट मांगूंगा, वो अपना और अपने पूरे गांव का वोट मुझे दिलवाएंगे, समझा ना? मैंने बोला था ना शादी मुझे पसंद नहीं। मैं पहले प्यार करूंगा फिर शादी करूंगा, ये मेरा ड्रीम है, मेरा एम्बिशन है। आजकल बिना प्यार किए कोई शादी करता है क्या माँ? ये शादी तुझे करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो भैया? तू चुप कर, मैंने तुमसे पूछा, तूने बचपन में बोला कपड़े नहीं पहनूंगा, तेरी माँ ने पहनाया ना, अभी भी वही बात है, प्यार करके शादी करना चाहता है तो अभी भी 3 घंटे बाकी है, कर ले, तू अपनी दुल्हन से प्यार कर ले ना। प्यार कोई जबरदस्ती करता है क्या? सही बोल रहा है, लेकिन ये शादी जबरदस्ती होके रहेगी, ये मेरा एम्बिशन है। चिंता मत कर बेटा। दीदी दीदी, हैदराबाद से आपका फ्रेंड आया हुआ है। सच में? थैंक्स। अब मैं आ चुका हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, ओके? हमारी शादी जरूर होगी। भाई, इसके पिताजी के होते हुए शादी कैसे हो पाएगी? ए, तू क्या कर रहा है? तेरी शादी कैसे होगी यार? जरूर होगी। वसु, तुम टेंशन मत लो, हमने जो सोचा है वही होगा, ओके ना? अब तुम जाओ। अरे बाप रे, लगता है दुल्हन को लड़का पसंद नहीं है। अगर ये बात लड़के वालों को पता चल गई तो शादी रुकेगी, मेरा पेमेंट अटक जाएगा। शादी होने तक लड़के को पता नहीं चलना चाहिए। मैं लड़की को देखे बिना शादी नहीं करूंगा, मैं पहले लड़की से प्यार करूंगा। प्रेम जिंदाबाद, प्रेम मेरी जिंदगी है, मैं शादी छोड़ के भाग जाऊंगा। इस समय कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहा हूँ? बाहर जा रहा हूँ। अरे रुको, तुम यहाँ से जाओगे शादी रुकेगी, मेरा घाटा हो जाएगा, रुको तुम। अरे दूल्हा भाग रहा है, वही तो आओ, आओ। क्या हो रहा है? अरे सर, आपका लड़का भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। तुझे बोला था ना कहीं मत जाना। मैंने भी आपसे बोला था, आपने सुना क्या? हा? पहले मैं लड़की को देखूंगा, फिर मैं फाइनल करूंगा उस लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी है। अरे इस पागल को तूने कैसे पैदा किया? आप जाइए जी, मैं इसे समझा के लाती हूँ। वो सब छोड़ो, तू अंदर चल रहे, मेरा इनाम मिलेगा ना। हम बात चल अंदर। ओके ओके ओके, चलो चलो। आप तो ये तो सचमुच पागल हो गया, तुझे दिखता नहीं है क्या? लड़की बहुत सुंदर है, तू उससे शादी कर ले बेटा, इस बार अपनी माँ की बात मान जा बेटा। तू अपनी माँ की बात मानेगा ना? अच्छा ठीक है। क्या प्लान है तेरा यार? कुछ नहीं यार, वसु चाहती है कि हमारी शादी उसके पिताजी की मर्जी से हो। ये तो हम लोग भी जानते हैं यार। इसलिए मुझे एक बाप की जरूरत है। ए, शादी के लिए लड़की चाहिए होती है, बाप क्यों? अभी मेरी शादी होने के लिए लड़की चाहिए, लेकिन उसकी शादी रोकने के लिए मुझे बाप चाहिए, यही प्लान है। पिताजी, पिताजी, रुक जा। मैं तो अपने बेटे से परेशान, पागल हो गया है। सुनिए आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना खाने। पिताजी हाँ तो चलिए ना। पिताजी आप तो टेंशन ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना। पिताजी तू एक ऐसी बातें कर रहा है, मैं वैसे टेंशन में हूँ, चल निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, धीरे धीरे समझ जाएंगे। पिताजी ये कौन है? मेरे पति को पिताजी पिताजी बोल रहा है। पिताजी अबे कौन है तेरा बाप, टेंशन मत ले। पिताजी क्यों पिताजी पिताजी चिल्ला रहा है? ये क्या, अभी भी पिताजी पिताजी चिल्ला रहा है?
अरे प्लान में आगे क्या होने वाला है? मुझे क्या पता? क्या कर रहा है बे तू? ये तो बहुत सुंदर है, इसी से मैं शादी करूंगा और जिंदगी भर प्यार करूंगा। मैं अभी सबको बता देता हूँ कि मैं इसी से शादी करूंगा। बेबी, हम दोनों का मैरिज फिक्स है। आई लाइक इट, आई लव यू, आई एम कमिंग। पिताजी, अबे कौन है जो पिताजी बोल के टेंशन दे रहा? मुझे एक पैदा किया उसी से मैं परेशान हूँ। पिताजी आप कहाँ चले गए थे? पिताजी मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अभी तो सुन, दोबारा मुझे पिताजी बोल के टेंशन दे। पिताजी आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आइए, क्या हुआ? अरे बताता हूँ पिताजी, बताता हूँ, पहले मेरे साथ तो चलिए प्लीज। चलिए ना पिताजी। कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़। तू क्या पिताजी बोलकर दिमाग चढ़ रहा है? आपको डिटेल्स चाहिए या होने वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए? तू मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा? दूल्हा आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, वो भाग गया। भाग गया? हाँ। ए, कौन भाग गया, कहाँ भाग गया? इट्स जस्ट अ दूल्हा ब्रो। कोई बात नहीं, दूल्हा भाग गया, मेरे पेमेंट का क्या होगा? इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा भाग गया और तुझे पेमेंट की पड़ी हुई है? सर मैं तो पेमेंट के लिए आया हूं। अरे तो मिल जाएगा तेरा पैसा। जो भाग गया उसके बारे में छोड़ दीजिए, थोड़ा मेरे बारे में सोचिए ना पिताजी प्लीज। अबे कौन है तेरा बाप, क्यों जान खा रहा है मेरी तू? ठीक है, सिर्फ मेरे पिताजी कहने से क्या फायदा। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन आपके समधी को मैं ये बात बता दूंगा कि आप मेरे पिताजी नहीं है। ठीक है ना? किधर है वो मोटू? ए मोटे, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैंने क्या कहा था तुझे? क्या कहा था सर? छोटी सी भी गलती हुई तो जान से मार दूंगा, कहा था ना तुझे? क्या हो गया सर? तो फिर पान का अरेंजमेंट कहाँ पर है? अरे फ्रूट सलाद सबको खिला दिया सर। माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। इसने पान का अरेंजमेंट अभी तक नहीं किया। चलो मेरे साथ। नमस्ते सर, मेरा पेमेंट तो दे दो। पान का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो जान लेने की बात कर रहा है? शादी कहीं कैंसिल हुई तो क्या करेगा ये? इसलिए आप मुझे अपना छोटा बेटा मान लीजिए। सुनिए ना, थोड़ा आप भी मैनेज कीजिए ना सर, अभी आपका बेटा भाग चुका है, इसको अपना बेटा मान लो, अपनी इज्जत बचाओ, इसके बाद ही मेरा पेमेंट मिलेगा सर। तो आप मेरे पिताजी है ये मान लिया क्या? आपने मान लिया? हाँ मान लिया। हाँ, हाँ, मान लिया। सच अ क्रेजी पापा यू आर, बहुत अच्छा लगा। एक बात सुन, मुझे तुझसे ज्यादा एमएलए पद की चिंता है, तू कुछ भी करके मैनेज कर लेगा। ओके डन डील, आप चलिए, मेरा पेमेंट मिल जाएगा। कहाँ गया वो? ये क्या है जी, कौन है ये लड़का? ये मेरा छोटा बेटा, अभी भी सेट हुआ है। मुझे पहले से शक था कि आपका बाहर कोई चक्कर चल रहा है। तू भी चालू हो गई? बता तुझे लाल बत्ती में घूमना है कि नहीं घूमना है? तो फिर ये मेरा छोटा बेटा मान जा। तो फिर वो अपना लड़का? ओ भाग गया, उसका नाम मत लेना। मम्मी, अरे रे रे रे, कितना सुंदर बेटा है। हाँ। वो भी सुंदर है, हर बात पे माँ माँ करता रहता है। आज से तू मेरा बेटा है बेटा। नमस्ते नमस्ते। ये लड़का कौन? मेरा छोटा बेटा है जी, अभी फिक्स हुआ है। अभी फिक्स हुआ है मतलब? हाँ शहर में रहता है, अभी भी आया। नमस्ते। शादी में लोग सब लोग अंदर बैठे और आप लोग यहाँ खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए, आइए। आप चलिए, हम आते हैं। चलिए माता जी, मुहूर्त का टाइम हो गया है, दूल्हा दुल्हन को लेके जल्दी आइए। वसु आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। भैया दूल्हा कहाँ है, जल्दी लेके आइए। क्या करें? अरे समधी जी, क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, जाइए दूल्हे को लेकर के आइए ना। वो मैं बताता हूँ। सर वो भैया को ये शादी पसंद नहीं थी ना, तो वो किसी को बिन बताए भाग गए। क्या कहा? दूल्हा मंडप छोड़ के भाग गया? ए राघव इधर ला। सर 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 क्या कर रहे हो सर? मार दीजिए सर, मार दीजिए। भैया की गलती की वजह से हमारी सारी फैमिली को मार दीजिए। अरे आओ ना मम्मी, आ गया, इन्हें भी मार दो। सर एक बात तो सच है सर, राज जी का समधी बनना ये सोचकर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे। अब मेरे पिताजी का सपना ठुकरा कर मेरा भाई भाग गया, वो एक नंबर का स्वार्थी आदमी है सर। आप गोली मारने के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना, चलाइए सर चलाइए। तू क्या बोल रहा है? तू क्या हर बात पे गोली मारते बोल रहा है? उनके हाथ में बंदूक है, उंगली ट्रिगर पे है, वो इमोशन में आके गोली मारेंगे, सब फ्री में निकल लेंगे। ये गोली नहीं चलाएंगे सर, क्योंकि ये बड़े आदमी है। लेकिन मंडप में जो दुल्हन बैठी है उसका क्या होगा जरा सोचिए? अगर ये शादी नहीं हुई ना तो इतने बड़े इज्जतदार आदमी का क्या होगा? बताइए पिताजी, जवाब दीजिए। बेटी की शादी होती है तो कोई भी बाप गर्व महसूस करता है, और जब वो बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है उसके बारे में वो किसी को बयान नहीं कर सकता। उसकी बेटी ससुराल में हमेशा खुश रहे, बस यही तो एक ख्वाहिश होती है लड़की के बाप की। आज जो तकलीफ आपको हुई है वही तकलीफ हम सबको भी हुई है सर। मेरी फैमिली की तरफ से मेरे भाई ने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ सर। अगर अब भी आप मेरे पिताजी पर गुस्सा हो तो आप मुझे गोली मार दीजिए सर, शूट मी। तू मुझसे इतना प्यार करता बेटा? समधी जी, अभी भी आप मुझे समधी जी बुला रहे हैं? भाई साहब आपके बड़े बेटे ने गलती की इसलिए मैं गुस्सा था। इस समय एक बेटी के पिता पर क्या गुजर रही है ये आपका छोटा बेटा अच्छी तरह से महसूस कर रहा है।
आपका बेटा जरूर उम्र में छोटा है लेकिन मेरे मन को भा गया। ऐसे बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। अगर आप भी मान जाएं तो। क्यों नहीं मानूंगा, साक्षात विष्णु भगवान ने अपना खजाना खोल दिया है और उन्होंने कह दिया कि जो चाहो ले लो, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। मुझे रिश्ता मंजूर है भाई साहब। तुम्हारी क्या राय है बेटा? मेरी क्या चाहत हो सकती है? इस लड़की के जिंदगी के बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं ये जानकर मैं भी आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस लड़की के मन में क्या है वो तो जान लीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आज सिर्फ मेरी चाहत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे ये रिश्ता पसंद है कि नहीं ये हम उसी से पूछ लेते हैं। अगर इसे ये रिश्ता पसंद होगा तभी शादी होगी। अरे इस पागल की तो गलत समय पे एंट्री हो गई है। पिताजी, सर मेरी पेमेंट। अरे रुकना है पिताजी, कुछ बात करनी। पिताजी मेरी बात तो सुनो। अरे चल मेरे साथ। सुनो। अरे मेरी बात सुनो। चल नहीं जरा। मुझे यहाँ क्यों लेके आए? हे, अगर उनको पता चल गया कि तू वापस आ गया तो शादी के मंडप में गोली चल जाएगी। मुझे तो सिर्फ उनसे रिश्ता जोड़ना है। एक बार MLA बन गया ना तो किसी भी नेता की बेटी से शादी करवा दूंगा। अच्छा थोड़ी देर और अंदर जाना, चल अंदर। शादी कर लो। अपनी बातें धीरे धीरे पिताजी को समझा देंगे। Thank you.